الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ولا يضل ربي ولا ينسى الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى صحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, दुनिया में इंसान पैदा होता है न उसे ये पता होता है कि मुझे अल्लाह को कैसे राज़ी करना है, न उसे ये पता होता है कि मैंने अपनी ज़रूरियात को कैसे पूरा करना है। दोनों तरफ से वो जाहिल होता है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, कुछ भी नहीं इंसान जानता, ना वो ये जानता है कि बनाने वाला मेरा कौन मुझसे क्या चाहता है, ना वो ये जानता है मेरी ज़रूरतें पूरा करने के ज़राए क्या हैं। इसके बिलमुकाबिल बाकी मखलूक पैदा होती है तो अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाता है कुल्लुन कद अलिमा सलातहु व तस्बीहहु, हर चीज़ अल्लाह को पहचान कर उसकी नमाज भी पढ़ती है, उसकी तस्बीह भी पढ़ती है। सब्बह लिल्लाह मा फिस समावात वल अर्ज़, ज़मीन आसमान में जो कुछ है वो अल्लाह की तस्बीह में याद में मशगूल रहता है। पैदाइशी तौर पर चींटी हो हाथी हो, ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى, رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے زندگی گزارنے کا علم پیدائشی طور پر عطا فرماتا ہے۔ ایک چونٹی کو پیدائشی طور پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے, میری ضرورت کیا ہے اور میرے لیے مفید کیا ہے, مضر کیا ہے۔ اور انسان اتنا بڑا اس کے مقابلے میں پیدا ہوتا ہے اور اسے کچھ خبر نہیں ہوتی میں کون ہوں, میں کہاں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس طرح بھیجتا ہے کہ لا تعلمون شیئا, یہ کچھ نہیں جانتا۔ یہ امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اس کو باہر سے علم لینا پڑتا ہے۔ باقی ساری مخلوق کا علم ان کے اندر ہوتا ہے, انسان کا علم باہر سے اندر آتا ہے۔ باقی مخلوق کا علم اندر سے باہر نکلتا ہے۔ عقاب کو جھپٹنا کوئی نہیں سکھاتا, سانپ کو ڈسنا کوئی نہیں سکھاتا۔ تو یہ اپنی فطرت سے اندر سے یہ علم لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ مچھلی کو تیرنا کوئی نہیں سکھا تھا, سانپ کو زہر بنانا اپنے اندر کوئی نہیں سکھا تھا۔ وہ تو اللہ کا اپنا ایک نظام ہے, تالو میں تھیلی اللہ نے لگائی, اس میں سے ایک نالی دانت میں اللہ نے پہنچائی,
उसके दांत को खोखला अल्लाह ने बनाया। हमारा दांत खोखला हो जाए तो उसे निकालना पड़ता है, वो दर्द परेशानी का सबब है। सांप का दांत खोखला न हो तो उसके लिए ज़िंदगी बेकार है। अल्लाह उसमें सुराख रखता है, उसमें जहर की नाली को पहुँचाता है। वो जो कुछ खाता है वो अपने आप जहर बनता है, उसे तो पता भी नहीं है कि ये किस तरह जहर बन के मेरी थैली में जमा हो गया है। लेकिन उसे ये पता चल जाता है कि मेरे अंदर एक ताकत है जिससे मैं अपने शिकार को मौत देकर फिर उसे खा सकता हूँ। हालांकि ये इल्म उसे किसी ने नहीं सिखाया। वो अंडे से जब निकलता है तो फौरन भागता है, क्योंकि सांप अपने बच्चे खुद खाता है। तो वो उसको पैदाशी तौर पर ये इल्म होता है कि अगर मैं यहाँ रहा तो मेरी माँ मुझे खा जाएगी, तो वो पैदा होते ही भागता है। बाकी मखलूक के बच्चे माँ की तरफ दौड़ते हैं, सांप का बच्चा माँ से भागता है। ये इल्म कहाँ से उसको मिला है, कौन दे रहा है? रब्बुना अल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु थुम्मा हदा। रब वो है जो पैदा करता है और जिंदगी गुजारने का इल्म देता है। तो फिर दूसरी आयत मैंने बताई थी कि अल्लाह को भी पहचानते हैं, युसब्बिह लहु मा फिस समावाति वल अर्द, अपनी ज़रूरतों को भी जानते हैं। आता कुल्ल शैइन खल्क़हु थुम्मा हदा, इंसान पैदा होता है उसे नहीं पता, मा कुंत तदरी मल किताब वलल ईमान, उसे नहीं पता कि ईमान क्या है, अल्लाह कौन है, उसे नहीं पता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। ये इल्म बाहर से लेता है, बाहर से, अंदर में नहीं होता, बाहर से आता है। क्योंकि ये इम्तिहान के लिए पैदा हुआ तो इसके बाहर दो इल्म अल्लाह ने फैला दिए, एक बुराई का एक अच्छाई का, एक हक का एक बातिल का, एक कुफर का एक ईमान का। ये दो दो रास्ते अल्लाह ताला ने चला दिए। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा व हदैनाहु नजदैन, दो राहें दो रास्ते, फमन शा फलयुमिन व मन शा फलयकफुर। फिर अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार देकर ऐलान फरमाया, मेरे बंदे अब तेरी मर्जी है, तो अपने अल्लाह की मान ले या तू अपनी मान, शैतान की मान, उसकी राहों पे चल, तेरे लिए रास्ते दोनों खुले हैं। मियाँ चन्नू के बाजार में बैठ के तुम गलत भी तोल सकते हो, सही भी तोल सकते हो, झूठी कसम भी खा सकते हो और सच्ची कसम भी उठा सकते हो, सौदे का ऐब छुपा भी सकते हो और आने वाले ग्राहक को दिखा भी सकते हो कि भाई मेरे सौदे में ये ऐब है, लेना है तो ले लो। इस जबान से गाली भी चल सकती है, दुआ भी चल सकती है। वह अपनी शहवत से जिना भी कर सकता है, निकाह भी कर सकता है, इस माथे को पत्थर के आगे भी झुका सकता है, अल्लाह के आगे भी झुका सकता है, ये हाथ इंसानों के आगे भी फैला सकता है और अल्लाह के आगे भी फैला सकता है। इसको अल्लाह ताला ने इख्तियार दे दिया। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, अल्लाह ताला ने फरमाया ये दोनों राहें, चल जिधर तेरी मर्जी है। فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, तेरी मर्जी। तो क्या होगा अगर मैं अल्लाह की राह पे चलूंगा तो फिर क्या होगा, और अगर मैं नहीं चलूंगा तो फिर क्या होगा? إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا, तो अगर मेरी राहों को छोड़ेगा तो फिर तेरे लिए एक आग है और उसमें बेशुमार आजाब की शक्लें हैं, फिर उसमें जंजीरें हैं और उसमें तौक हैं, हथकड़ियां हैं, फिर तेरा उधर तो रुख मुड़ जाएगा और तू उस खड्डे में जाके गिरेगा। और अगर तुम अल्लाह की राहों पर चलोगे तो फिर क्या होगा? इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन काना मिज़ाजुहा काफूरा, तुझे अल्लाह ताला ऐसे चश्मे तक पहुंचाएगा जिसमें काफूरी शराब उबलती है, बनती नहीं उबलती है, अल्लाह के रब से बनी है। तेरा काम सिर्फ पीना है, तेरे जिम्मे सिर्फ पीना है, तेरा पिलाने वाला अल्लाह है, और क्या होगा, और क्या होगा? वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतुम व हरीरा, अगर तू अपने अल्लाह को राजी कर लेता है तो तेरे लिए एक ठिकाना है जिसका नाम जन्नत है, जिसे अल्लाह ताला ने अपने अमर कुन से बनाया है,
और उसने जन्नतुल फिरदौस को अपने हाथों से बनाया है। तुम्हारी जमीन गारे मट्टी से बनी है, जन्नत को सोने चांदी जुमुर्रद याकूत से अल्लाह ताला ने बनाया है। कोई इंसान इस दुनिया को जन्नत बना भी ले तो उसके पास मौत का इलाज कोई नहीं। वो सोने चांदी शद्दाद ने जन्नत बना ली और 17 हाथ सोने की दीवार खड़ी की। 17 हाथ, एक हाथ 25 इंच का होता है, तो 36 फुट ऊंची दीवार सोने की कायम की। 4 दीवारी बनाई जिसमें वो उसने जन्नत को बनाया। जन्नत तो बना ली उसने, लेकिन उसको रहना नसीब नहीं हुआ, उसे देखना नसीब नहीं हुआ। एक इंसान अपने लिए हर राहत इकट्ठी कर लेता है, अब मौत का क्या करे? मौत से कैसे टक्कर ले, उससे कैसे भागे? ऐनल मफर, मौत से भाग के वो कहाँ जा सकता है? तो अल्लाह ताला ने इसके मुकाबले में एक ठिकाना बनाया है जहाँ जाके जाने वाला मरता नहीं। उसके दाखिल होने से पहले वो 4 ऐलान सुनता है। इन्न लकुम अन तहयौ फला तमूतु अबदा, मियां चन्नू वालों आप जिंदा रहो, मौत तुम्हारी खत्म हो गई। मौत के साथ तो फिर जब मौत खत्म हो गई तो लंबी जिंदगी में तो बुढ़ापा, बुढ़ापे से खुद आदमी पनाह मांगता है, उसके औलाद कहती है कि हूं तो अब्बा मर जावे तो चंगा है। तो फिर दूसरा ऐलान होगा, इन्न लकुम अन तशिब्बू फला तहरमू अबदा, अब तुम्हें मुबारक हो, तुम पे बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, तुम हमेशा जवान रहोगे, हमेशा जवानी के मजे लूटोगे। जवानी के साथ अगर फख्र आ जाए तो फिर जवानी का क्या फायदा? वो जवानी के साथ बीमारी आ जाए तो फिर जवानी का क्या फायदा? तो तीसरा ऐलान होगा, इन्न लकुम अन तसिहु फला तस्कमू अबदा, अब तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हें बीमारी छू के भी नहीं गुजरेगी, हमेशा सेहतमंद ताकतवर तवाना मौत से पाक जिंदगी गुजारोगे, दुख दर्द से पाक जिंदगी गुजारोगे, सेहत भी हो, जिंदगी भी हो, जवानी भी हो। गम लग जाए तो जवानी में भी कोई मजा नहीं और माल में भी कोई मजा नहीं, क्या लुत्फ अंजमन का जब दिल ही बुझ गया हो। मैं बड़े बड़े बादशाहों से मिला हूं लेकिन उनको अपनी अंदर की जिंदगी में मैंने रोते आंसू बहाते देखा है, तो उनके कर फर, उनके ठाठ बाठ, उनके लाओ लश्कर देखने वालों को नजर आते हैं कि क्या मौज कर रहा है, लेकिन मैंने उनको अपनी आंखों के सामने आंसू बहाते देखा है कि मेरे जैसा दुखी इंसान कोई नहीं है। तो जवानी भी हो और माल भी हो और सेहत भी हो और गम लग जाए तो उस सेहत जवानी का क्या फायदा? तो मेरे रब का चौथा ऐलान होगा, इन लकुम अन तनअमू तनअमू फला तबअसू अबदा, मेरे बंदो तुम्हें मुबारक हो, अब तुम हमेशा खुश रहोगे, गम तुम्हारे पास से भी नहीं गुजरेगा, दुख तुम्हारे पास से भी नहीं गुजरेगा। वो दुनिया था, वो दुनिया थी गमों का घर और दुखों का घर, और वो मच्छर का पर और वो मकड़ी का जाला और वो धोखे का घर और वो मिट जाने वाली मथा और वो अजल ही ने छोड़ा, न किसरा न दारा इसी से सिकंदर सफा थी बिहारा, हर एक लेके क्या क्या ना हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, उरावी के किनारे एक टूटा सा मकान है, दिन को भी जहां शब की सियाही का समा है, कहते हैं ये आराम गहे नूर जहां है। मेरा रब कहता है, हल तुहिस मिन्हुम मिन अहद औ तस्मउ लहुम रिक्ज़ा वकअय्यिम मिन क़रियतिन अतत अन अम्र रब्बिहा बिरुसुलिही फहासबनाहा हिसाबन शदीदा वअज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुकरा فذاقت وبال امرها فكان عاقبه امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا। ये मेरा रब पिछली कौमों की हकायत सुना रहा है, मैंने बड़े बड़े शहर बर्बाद कर दिए, बड़ी बड़ी कौमें पैवंद खाक कर दी, निशान मिटा दिए, नाम मिटा दिए, तस्करे खत्म कर दिए गए और उनके इबरत के नमूने चारों तरफ फैला दिए कि जाओ देखो, फअतबरू या उलिल अबसार, तुम्हारी आंखों में कोई इबरत की शमें जलती हैं तो जाओ देखो, टूटे हुए महल
शिकस्ता दीवारें, उजड़े दियार, मिटे हुए खंडरात, जाओ जाओ देखो सिर्फ ही दियार हैं, वंदुर फी आसार हैं, जाओ उनमें फिरो और उनमें घूमो और उनसे पूछो अइन हलो, किधर गए तुम्हारे आबाद करने वाले बनाने वाले, तो तुम्हें जवाब देंगे कि हम धोखे का घर थे, हमने उन्हें धोखे की मार दी और उन्हें जमीन के ऊपर से उठाकर जमीन के नीचे पहुंचा दिया और उनका नामो निशान मिटा दिया। हाँ एक जन्नत है जहां बका है, फना नहीं, जिंदगी है, मौत नहीं, मोहब्बत है, नफरत नहीं, जवानी है, बुढ़ापा नहीं, सेहत है, बीमारी नहीं, हर नेमत का वाफर 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 खजाना है, कोई फकर नहीं, फकर नहीं, हमेशा की जिंदगी है, कहीं इंतहा नहीं। रब करीम जैसे अबदी है, ऐसे ही इस इंसान को अल्लाह ताला अबदी जिंदगी अता फरमाएगा। वो अल्लाह ताला ने मौत के बाद एक अजीम शान मकाम बना के रखा है, تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا, وہ جنت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں بڑا بننا نہیں چاہتے, جو دنیا میں فساد نہیں مچاتے, جو اپنی گردن اونچی رکھنا نہیں چاہتے, گردن جھکا کے چلتے ہیں, فساد سے بچ کے چلتے ہیں, وہ ٹھکانہ میرے اللہ نے ان بندوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ داخل ہونے سے پہلے, इस ऐलान से पहले एक चश्मे से पानी पिलाएगा, सीने का खोट खत्म, पेट का पखाना खत्म, दूसरे चश्मे से वजू कराएगा, चेहरे तरोताजा, मुनव्वर, रोशन, और फिर अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएगा और आप दरवाजे पर दस्तक देंगे और अंदर से फरिश्ता पूछेगा कौन है, तो हमारे नबी इरशाद फरमाएंगे मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जन्नत का बड़ा फरिश्ता रिजवान वो दरवाजा खोलेगा और कहेगा मरहबा या रसूल अल्लाह, हमें आपका इंतजार था और आपके रब का फरमान था, जब तक मेरा हबीब ना आए दरवाजा नहीं खोलना है। या रसूल अल्लाह ये आपके लिए खुल रहा है, आपके बगैर ये खुल नहीं सकता था, आपसे पहले यहां किसी का कदम पढ़ नहीं सकता था, और मेरे रब ने मुझे फरमाया था कि खुद खोलना है। या रसूल अल्लाह मैं कभी किसी के लिए नहीं उठा, मैं कभी किसी के लिए नहीं चला, आप पहली हस्ती हैं जिनकी खातिर मेरे रब ने कहा उठो और जाओ और मेरे हबीब के लिए दरवाजा खोलो। तो आपने कहा मैं दाखिल होऊंगा, मेरी मैं एक सवारी पर होऊंगा, उस सवारी की लगाम बिलाल हबशी के हाथ में होगी जो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। फिर आपने फरमाया मेरा एक सहाबी है, जब वो जन्नत के दरवाजे पर आएगा तो आठों दरवाजे उसके लिए खुलेंगे और हर दरवाजा कहेगा मरहबा मरहबा। सलमान फारसी उठकर पूछने लगे या रसूल अल्लाह ये ऊंचे मर्तबे वाला कौन है, तो आपने कहा ये अबू बकर बिन अबी कुहाफा है, जिसको जन्नत का हर दरवाजा पुकारेगा कि इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए। पर आपने कहा मैंने जन्नत में महल देखा, सोने चांदी जुमरुद याकूत का मुजयन, मैंने पूछा किसका, मुझे कहा गया कुरैशी का, एक कुरैशी का, मैं समझा मैं कुरैशी मेरा ही है जो इतना आली शान है। जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे फरिश्ते ने अर्ज किया रसूल अल्लाह ये आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। फिर आपने फरमाया उस्मान जन्नत में हर नबी का एक रफीक है, मेरा रफीक तू बनेगा। फिर आपने हजरत अली का हाथ पकड़ा और अपने करीब करके फरमाया अली तुझे बशारत हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा, राजी हो राजी हो। तो हजरत अली रोने लगे कि या रसूल अल्लाह मैं राजी हूं। फिर आपने फरमाया तलहा जुबैर हर नबी का एक हवारी होगा जन्नत में, मेरे दो हवारी, हवारी होते हैं, हवारी का कोई उर्दू में एक लफ्ज कोई नहीं, एक लफ्ज कोई नहीं, हवारी जिसका दिल किसी की मोहब्बत से भर जाए और उसके बारे में साफ शफाफ हो जाए उसको कहते हैं हवारी, जो जान कुर्बान करना उस पर अपना काम समझे, जो उस पर लुटा देना मिटा देना अपनी अजमत समझे उसको कहते हैं हवारी। तो आपने कहा तलहा जुबैर
हर नबी का एक हवारी होगा जन्नत में, मेरे दो हवारी होंगे, एक तलहा होगा एक जुबैर होगा। आपने फरमाया फिर मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा और मेरे साथ मेरी उम्मत के फुकरा और गरीब लोग, ये पहले पहले मेरे साथ दाखिल होंगे, ये पहले पहले मेरे साथ दाखिल होंगे। फिर आपने फरमाया मैं जन्नत में जा रहा हूँगा, पीछे से एक मेरी उम्मत की औरत आएगी और मुझसे भी आगे निकल जाएगी, तो मैं उससे पूछूंगा बेटी तू कौन है, मुझसे भी आगे जा रही है। वो कहेगी या रसूल अल्लाह मैं वो हूँ जो जवानी में बेवा हुई और अपने बच्चों को पालने की खातिर दूसरी शादी न की और अपने जज्बों को अपने सीने में दफना दिया। आपने कहा उसकी उस कुर्बानी पर वो मुझसे भी आगे आगे जा रही होगी। इसी उम्मत में से सबसे पहले यही उम्मत जाएगी, फिर अल्लाह इनका इस्तकबाल फरमाएगा, सामने फरिश्ते आएंगे, सलामुन अलैकुम, जनाब सलाम पेश करते हैं, पहली खुशखबरी कि आप सलामती में आ गए, तैब तुम आप पाक हो गए, फदखुलूहा तीसरी खुशखबरी आप अब तशरीफ ले आए, चौथी खुशखबरी खालिदीन अब आपको यहां से कोई नहीं निकालेगा, सलामुन अलैक सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन वसीकल्लज़ीन इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين آپ سلامتی میں آگئے آپ ہمیشہ کے گھر میں آگئے آپ اپنے ٹھکانے پر آگئے اب آپ کو یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا چلیے تشریف لے چلیے سامنے خدام ہیں سواریاں ہیں سوار ہوتے ہیں اپنے مقامات پر اترتے ہیں اپنے ٹھکانوں پر اترتے ہیں اور تخت پر تخت سجائے جا چکے ہیں اور ان کے لیے دروازے کھول اندر کے کھول دیے کھولے جا چکے ہیں جنت کی حوریں استقبال کے لیے آ چکی ہیں ایک ایک لڑکی کے جسم پر 100 جوڑا ہے اور 100 جوڑے میں اس کا پورا چمکتا جسم نظر آتا ہے وہ آ کر اس کے استقبال میں باہیں پھیلاتی ہے استقبال کرتی ہے گلے لگاتی ہے کہتی انت حبی و انا حبک میں تیری محبت میں میں تیری محبت میں میرا دل بھرا ہوا ہے تو میرا محبوب میں تیری محبوب آؤ آج تیرا میرا ساتھ شروع ہو رہا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا ان کو اللہ تختوں پہ بٹھائے گا پھر جو حیران ہو کر اوپر دیکھیں گے تو ظل ممدود سائے پھیلے ہوئے پھر نیچے دیکھیں گے تو ماء مسکوب نہریں بہتی ہوئیں پھر سامنے دیکھیں گے تو لحم طیر مما یشتہون پرندوں کی ڈاروں کی ڈاریں اور ان کے بنے ہوئے گوشت اور اپنے آگے دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے اکواب موضوعہ نمارک مصفوفہ زرابی مبثوفہ بے اکواب و اباریق وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ینزفون وفاکہ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا یعملون کیا دیکھیں گے کہ غلام کمر بند دست بستہ کھڑے ہوئے قالین بچھے ہوئے سائے پھیلے ہوئے چشمے ابلتے ہوئے نہریں چلتی ہوئیں پرندے اڑتے ہوئے سرائیاں بھری ہوئیں جام بھرے ہوئے تشتریاں سجی ہوئیں تشتریاں سجی ہوئیں اور جنت کی حوریں مہکی ہوئیں اور سنوری ہوئیں اور بن ٹھنڈ کے پہلو کو گرماتے ہوئے اور پھر خدام چاروں طرف سے آ کر کہہ رہے ہیں سلامن سلاما سلامن سلاما آپ کو سلام آپ کو مبارک آپ اصلی گھر میں آ گئے مقام جنت میں آ گئے موت سے پاک دکھ سے پاک غم سے پاک دردوں سے پاک لڑائی جھگڑوں سے پاک پیشاب پخانے سے پاک دیس میں آپ آگئے فنا نہیں ہے موت ہے غلام پیچھے ہٹیں گے فرشتوں دروازے کھولیں گے فرشتے چاروں طرف سے بل ملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب چاروں طرف سے فرشتوں کی آمد سلام علیکم سلام علیکم یہ حیران ہو کر کہیں گے تم تو نورانی مخلوق ہو ہم تو میاں چنو کے کمزور لوگ تم ہمیں سلام کیوں کرنے آئے ہو تو فرشتے کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم
वो मियां चन्नू में कुछ लोग थे जो माल के गुलाम थे, आज वो चले गए अपने ठिकानों पर, तुम अल्लाह के गुलाम बने। तुमने सबर किया, अपनी जरूरतों को तोड़ा पर अल्लाह को ना छोड़ा, अपनी ख्वाहिशात को तो छोड़ा पर मोहम्मद मुस्तफा का दर न छोड़ा। तुमने अपने जज्बात को तो कुर्बान किया पर शरीयत मोहम्मद को कुर्बान न किया। इसके सिले में हम तुम्हें सलाम पेश करते हैं। नूरानी मखलूक इंसानों को सलाम करे, एक नशा, एक सुरूर, एक कैफ, एक मस्ती, एक जल्द हैरान परेशान है, एकदम सारी जन्नत नूर ही नूर बन जाती है और पत्ता पत्ता नूर बन जाता है और मौज मौज नूर बन जाती है और जर्रा जर्रा आफ्ताब बन जाता है। वो चारों तरफ रोशनी का लफ्ज भी उस रोशनी के सामने छोटा पड़ जाता है। तो परेशान होकर नजरें ऊपर उठती हैं तो क्या देखते हैं, अल्लाह का अर्श खुल चुका है और अल्लाह सामने आकर कह रहा है सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, अब तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम करने आया है। फरिश्ते का सलाम क्या चीज है और नौकर का सलाम क्या चीज है, मेरे बंधु आज तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम पेश करता है। सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, अपने रहीम रब का सलाम कबूल कर। ओहो हो, क्या बुलंदी है, क्या परवाज है। एक झंडे वाली गाड़ी लेने के लिए लोग जमीर ईमान के सौदे कर देते, एक कुर्सी लेने के लिए लोग अपनी इंसानियत को कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं और दरिंदे बन जाते हैं, जानवर बन जाते हैं, और एक इंसानियत के नाम पे दाग बन जाते हैं और वो कुर्सी भी चंद दिन भी वफा नहीं करती। आज तुम कुर्सी पर हो और तुम्हारा रब तुम्हें कह रहा है सलामन कौलम मिन रब्बिर रहीम, मेरे बंदे आज तेरा रब तुझे सलाम पेश करता है। फिर अल्लाह पूछेगा हर रदीतम, राजी हो, खुश हो, खुश हो। अल्लाह अकबर। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बड़ी बीमारी काटी, अय्यूब अलैहिस्सलाम की का इम्तिहान था बीमारी, लेकिन ये बात गलत है कि कीड़े पड़ गए हैं। नबी को अल्लाह ऐसा नहीं करता कि उसके वजूद से नफरत हो, नबी हमेशा हुस्न व जमाल का पैकर होता है और खानदानी वजाहत में सबसे ऊंचा कद होता है, वो जमाल में हुसन में सबसे नुमाया होता है। तो ये ऐमे ही हमारी पैदल बातें हैं कि कीड़े पड़ गए सारे जिस्म में। हाँ, 18 साल बड़ी तकलीफ आई, बड़ी तकलीफ आई, दर्दों ने डेरे डाल दिए। फिर अल्लाह ने सेहत दे दी, सेहत दे दी। तो एक दफा एक शख्स ने पूछा या नबी अल्लाह बीमारी के दिन याद आते हैं? कहने गए बीमारी के दिन आज के दिनों से बड़े अच्छे थे। कहा वो कैसे अच्छे थे? कहा जब मैं बीमार था तो मेरा अल्लाह रोजाना दिन में एक दफा मुझसे पूछता था अय्यूब क्या हाल है। ओहो, तो जब अल्लाह की आवाज में सुनता था तो मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाते और उस आवाज की लज्जत में मैं गुम हो जाता था और आवाज 7 आसमानों के पर्दों से आ रही है और एक दर्दमंद इंसान तक जा रही है। और आज ये जन्नत वाला ये दर्दमंद नहीं है, ये बीमार नहीं है, ये मियां चन्नू में नहीं बैठा हुआ, ये तंग तारीख गंदी गलियों में पुराने बोसीदा घरों में नहीं बैठा हुआ, ये जन्नत के तख्त पर है, अल्लाह के अर्श की छत के नीचे है और यहाँ सलसबील के चश्मे हैं और मईन के चश्मे हैं और रहीक के चश्मे हैं, काफूर के चश्मे हैं और जहां जन्नत की हूरों के जलवे हैं और मेरे रब का बनाया हुआ हुस्न जमाल का कमाल है और वहां एकदम अल्लाह का अर्श खुलता है और अल्लाह सामने आकर कहता है खुश हो क्या हाल है मेरे बंदे क्या हाल है। मेरे नबी का फरमान है मा मिनकुम मिन अहद इल्ला सयहादिरहु रब्बहु महादरा, तुम में से एक एक मर्द औरत का अल्लाह नाम लेके हाल पूछेगा, नाम लेके।
کیا حال ہے؟ خوش ہو. پھر اللہ کہے گا حل رضیتم، میرے بندو خوش ہو. شوق نکل گئے، دوزخ کے خوف نکل گئے. جنہیں میاں چنو جنت نظر آئے، جنہیں یہاں کی گرمی دوزخ نظر آئے، جنہیں یہاں کی کرسی ہی عزت نظر آئے، جنہیں یہاں کا فقر ہی ذلت نظر آئے، ہائے ہائے یہ کھو گئے، یہ گم ہو گئے، یہ بھٹکا ہوا قافلہ ہے، یہ اندھیری رات کے مسافر ہیں، یہ بے اندیکھی منزلوں کے راہی ہیں، یہ بے نشان راستوں کے مسافر ہیں. ان کی زندگی بیت جائے گی پر یہ کبھی منزل کو پا نہ سکیں گے. زندگی کی شام ہوگی، لوٹنے کے راستے بند ہوں گے، اور ان کی حسرتوں پر ساری کائنات بھی آنسو بہائے تو ان کی حسرتوں کے داغ کوئی دھو نہ سکے گا. سات سمندر کا پانی ان کی حسرتوں کے داغ دھو نہ سکے گا. جب موت انہیں جھٹکا دے گی اور قبر انہیں پٹکا دے گی تو انہیں ان کی حسرتوں کے لیے آسمان بھی روئے پانی کی شکل میں، اور سمندر بھی اچھلیں اور ابلیں، اور ان کے داغ سینے کے دھونا چاہیں تو میرے رب کی قسم نہیں دھل سکتے. میرے بھائیو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ. پیسہ سب کچھ نہیں ہے، یہاں کا رہنا رہنا نہیں ہے، یہ زندگی زندگی نہیں ہے. وہ کیا زندگی ہے جس کے پیچھے موت ہے؟ وہ کیا عزت ہے جس کے پیچھے ذلت ہے؟ وہ کیا جوانی ہے جس کے پیچھے بڑھاپا ہے؟ وہ کیا خوشیاں ہیں جس کے پیچھے آنسوؤں کی جھڑیاں ہیں؟ یہ مٹ جانے کا گھر ہے. جاؤ میاں چنو کے قبرستان میں دیکھو. یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ساڈے بنا نبدی نہیں، ساڈے بنا کم نہیں ہوندا کسے دا، اسا ہائیں تے ساڈے کم میں، اسا ہٹ جاویے تے اسمان ڈھہ پونا ہے. آج پڑے ہوئے ان کی قبروں پر ان کی اولاد بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں اے دھو جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا وہ کتھے آوڑے اسے، ان تو پچھا جاون نہیں آرام آئی کوئی نہیں رہ گئیاں، کدے جاوی یہ شامت آئیں تھائیں پہ گئیاں. دھو کیسے نکلو؟ پر میں کیا کروں، تم میاں چنو میں رہ کر اس دھوکے سے نہیں نکل سکتے. یہ تبلیغ میں جاؤ، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں پھرو اس تبلیغ کے کام میں. اگر دھوکے سے نکلنا چاہتے ہو، اندھیروں سے آنا چاہتے ہو، روشنیوں میں نہ آنا چاہتے ہو، جنت کی راہوں پر سفر کرنا چاہتے ہو، اللہ کے در اور اللہ کے محبوب کے در پہ جھکنا چاہتے ہو، اللہ رسول کے عشق کا ذائقہ اگر چکھنا چاہتے ہو، کچھ دن ان گھروں سے بے گھر ہو جاؤ، ان دروں سے بے در ہو جاؤ، مسافر بن جاؤ، پردیسی بن جاؤ، پھرو دھکے کھاؤ اور زبان حال سے پکارو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، یہ دل اللہ کو دے دو، یہ اللہ ہی کا ہے، یہاں اللہ کے سوا جو بھی آئے گا تمہارے دل کو زخموں سے بھر دے گا. اس دل میں اللہ کے رسول کے سوا جو بھی آئے گا وہ تمہیں تب پارا پارا کر دے گا، تار تار کر دے گا، تمہارے دل کی دنیا اجاڑ دے گا، ویران کر دے گا، اندھیروں میں گم ہو جاؤ گے، صحراؤں کی وسعتوں میں بھٹکے ہوئے راہی کی طرح تڑپ تڑپ کے مر جاؤ گے. اور اللہ کی قسم دنیا کی کوئی مورت، کوئی صورت، کوئی جام، کوئی پیالہ، کوئی سراہی، کوئی کرسی، کوئی زینت، کوئی چمن تمہیں سکھ نہ دے سکے گا. یہاں یہاں یہ دل، یہ دل یہ میرے اللہ اس کے رسول کے لیے بنا ہے، انہیں کو جگہ دو، انہیں کو جگہ دو. جس اور کو بٹھاؤ گے وہ تمہیں تباہ کر دے گا، ہلاک کر دے گا. آج اپنے اللہ کی عزت دیکھو، اللہ تم سے پوچھ رہا ہے میرے بندے خوش ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ کہیں گے یا اللہ وما لنا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك، میرے رب ہم راضی کیوں نہ ہوں، تم نے ہمیں وہ دے دیا جو آج تک کسی کو نہ دیا. تجری من تحتهم الانہار جنتان ذوات افنان، یہ جنت الفردوس ہے، جنتان مدہامتان یہ نیچے والی جنت ہے،
جنتان ذواتا افنان کہ تو آ تو سہی پھر تو رنگ نظارے دیکھنا ایک ایک رنگ میں تو ستر ستر سال بیٹھا گم ہو کے دیکھتا رہے گا ایک ایک پھول اور کلی کو ستر ستر سال تو بیٹھ کے دیوانوں کی طرح دیکھتا رہے گا ایک جنت نیچے ہے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے وہ مدہمتان وہ بڑی سرسبز ہے ایک جنت اوپر ہے وہ بڑی عجب ہے فی حما عینان تجریان اس میں چشمے بہتے ہوئے ایک جنت نیچے ہے فی حما عینان نضاقتان اس میں چشمے ابلتے ہیں بہتے نہیں ابلتے ہیں بہتا ہوا چشمہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے ابلتا ہوا چشمہ اس سے کم خوبصورت ہوتا ہے ایک اوپر کی جنت ہے جس کا نام فردوس ہے فیہما من کل فاکہت زوجان جہاں ہر پھل کی بوتات بہتات بے شمار لا محدود ایک نیچے جنت ہے فیہما فاکہت و نخل و رمان جہاں پھل بھی ہے کھجور بھی ہے انار گن کے بتایا گن کے بتانے کا مطلب ہے چیز تھوڑی ہے تھوڑی وہاں بھی نہیں تھوڑی وہاں بھی نہیں ہر شے لا محدود ہے پر جنت الفردوس کے مقابلے میں یہ چھوٹی جنت ہے تو اس کو چھوٹے انداز میں بیان کیا کھجور بھی ہے انار بھی ہے پھل بھی ہے اور اوپر کا ہر شے ہر جوڑا ہر شے ہر وقت ایک اوپر کی جنت ہے اس میں کیا ہے متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان نیچے کی جنت کیا ہے متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان ایک اوپر کی جنت ہے جہاں تم بیٹھے ہوئے قالین پر اور تمہارے اوپر جھکے ہوئے جنت کے پھل اور وہ جو جن قالینوں پر تم بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا ہم یہ اوپر کڑھائی کرتے ہیں یہ جا نماز کے اوپر کڑھائی ہوئی ہے اس کے نیچے والا جو سطح ہوتی ہے اس پہ کوئی کشیدہ کاری کوئی پھول نہیں ہوتا اوپر کی سطح پہ گلے کے اوپر کڑھائی ہوتی ہے بنیان پہ کڑھائی نہیں ہوتی کہ بنیان تو نظر نہیں آتی اور گلا نظر آتا ہے جانماز کا اوپر والا حصہ نظر آ رہا ہے اس کو خوبصورت بنایا ہے نیچے کو صاف سیدھا بنا دیا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا تو میرا رب جنت الفردوس کے قالینوں کی عجب تعریف کرتا ہے عجب وہ یہ کہتا ہے کہ جنت الفردوس کے قالینوں پر جب میں تمہیں بٹھاؤں گا تو میں تمہیں اوپر والے حصے کی خوبصورتی نہیں بتاتا وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی تم اپنا قالین اٹھا کے نیچے سے دیکھنا تو تمہاری نظریں اس حسن کو برداشت نہ کر سکیں گی جب نیچے والا حصہ اتنا خوبصورت ہے تو جہاں تو بیٹھا ہوگا وہ کتنا حسین ہوگا بطائنہا من استبرق بطائن نیچے والا حصہ اتنا خوبصورت ہے کہ تو دیکھے گا تو تیری آنکھ سہ نہ سکے گی تو میں نے اوپر کا حصہ کیسا عجب بنایا ہوگا اور نیچے والی جنت کو بتایا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان وہاں اوپر والا حصہ ہی بتایا ہے کہ سبز رنگ کے قالینوں پر بیٹھے ہوں گے سبز رنگ کے قالین اس کو نیچے کی جنت کے قالین کا اوپر کا حصہ بتایا جنت الفردوس کے قالین کے نیچے کا حصہ بتایا پھر اگلی بات بتائی فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان تیرے دائیں بائیں جنت کی لڑکیاں بٹھاؤں گا جنت الفردوس میں جو ایسی حسین ہیں سمندر میں تھوک ڈالیں ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں سورج کو انگلی دکھا دیں تو سورج ان کے سامنے اندھا بے نور ہو جائے وہ دوپٹہ ہوا میں لہرا دیں تو ساری کائنات معطر ہو جائے روشن ہو جائے ان کے چند بال توڑ کے دنیا میں ڈال دیے جائیں تو سارے جہان میں ان بالوں کی خوشبو اور روشنی پھیل جائے فتح نور فی الجنہ جب وہ مسکراتی ہے تو اس کو دانتوں سے جو نور نکلتا ہے وہ ساری جنت کو روشن کر دیتا ہے یہ اوپر کی حور کا بیان ہے آنکھیں جھکی ہیں تیرے پہلو میں سجی ہوئی ہے انسان جن نے اس کو انگلی بھی نہیں لگائی ہے وہ تیرے عشق میں گرفتار ہے تیری محبت میں مبتلا ہے تیرے انتظار میں وہ بیٹھی ہوئی ہے کہ تو کب آئے گا اور تیرا اور اس کا وصال ہوگا اور جو نیچے والی جنت ہے وفیہن خیرات حصان حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کچھ
नीचे की जन्नत है जहां की लड़कियां घरों में हैं, तेरे पहलू में नहीं घरों में हैं, वो खेमों में हैं, तुझे वहां जाना पड़ेगा, ये खुद आकर तेरे पहलू को सजाएंगी गरमाएंगी, वहां तुम्हें खुद जाना पड़ेगा खेमों में घरों में, और वो बड़ी खूबसूरत हैं। ऊपर वाली को अल्लाह कहता है वो कैसी हैं, जैसे याकूत और मरजान। नीचे वाली को कहता है वो बड़ी खूबसूरत हैं, तशबीह कोई नहीं, ऊपर तशबीह है जैसे याकूत हो जैसे मरजान हो, और नीचे वाली कैसी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, इतनी बात है। और वो ऊपर वाली जन्नती वो तेरे रब का दीदार करेंगे सुबह भी शाम भी, और नीचे वाले जन्नती आठवें दिन जुमे का इंतजार करेंगे कब जुमा आएगा और अल्लाह का दीदार होगा। ये सब कुछ सामने है और मेरा अल्लाह कहता है खुश हो राजी हो। वो कहेंगे या अल्लाह हम क्यों खुश ना हो, तूने वो दे दिया जो किसी को न दिया। तो फिर मेरा अल्लाह कहेगा अफला ओतीकुम बे अफ़ज़ल मिन ज़ालिकुम, मेरे बंदो अब मैं तुम्हें जन्नत से आला चीज दूं, जन्नत से आला, मेरे बंदो मैं तुम्हें जन्नत से आला चीज दूं। परेशान हो जाएंगे, जन्नत से जन्नत की लड़की को एक नजर देखेगा खामिद उसका, मेरे रब के इज्जत की कसम 40 साल अपनी नजर हटा नहीं सकेगा, 40 साल ना खब्बे देख सके ना सज्जे देख सके, आंख झपक नहीं सकेगा, मैं ऐंचे करे ऐंचे करे, 40 साल उसकी आंख फट जाएगी फिक्स हो जाएगी, सिर्फ देखने की लज्जत 40 साल लेता जाएगा, देखने की लज्जत, और हर लम्हे में उस लड़की का हुसन हजारों गुना होके बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। दुनिया के आला से आला हुसन को तुम 10 मिनट नहीं देख सकते, और 40 साल सिर्फ देखने की लज्जत पाता रहेगा और हैरान गुम बैठा रहेगा। तो मेरा अल्लाह कह रहा है जन्नत से आला चीज दू, जन्नत से आला चीज दू। कहेंगे या अल्लाह वायो शैन अफजल मिन ज़ालिक, या अल्लाह जन्नत से आला क्या चीज है। तो मेरा अल्लाह कहेगा احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ابدا, जाओ मैं तुम पे राजी हो गया, अब मैं कभी नाराज नहीं होगा, जाओ तुम्हारे सजदों की छुट्टी, तुम्हारी नमाजों की छुट्टी, तुम्हारे हज उमरे सब माफ, जाओ मैं राजी हो गया। तो जन्नत वाले कहेंगे या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम हम तेरी इबादत का हक ना अदा कर सके, हमें नहीं पता था तो इतने जमाल वाला है। जन्नत में सिर्फ एक हस्ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अल्लाह को पहले देखा है, किसी ने नहीं देखा इससे पहले, आज वो जलवागर है, आज वो आंखों के सामने है, अगर उसका कलाम रस शहद बनकर रग रग में उतर रहा है तो सारे जन्नत के मर्द औरत अल्लाह से अर्ज करेंगे या अल्लाह हम मियां चन्नों में तेरी कदर ना पहचान सके, हमें इजाजत दे हम तुम्हें एक सजदा करना चाहते हैं, जैसे हमने तुम्हें बिन देखे सजदे किए हैं। अदलत दीदारश खुसरो चितमा गुफ्तन सरदादन जादादन ना दीदा रुखे यारे, या अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था तू इतने जमाल वाला इतने हुसन वाला, तो हमें इजाजत दे हम जैसे तुम्हें दुनिया में सजदा करते थे बिन देखे, आज तुझे देखकर कहें अल्लाह अकबर। तो ओ कदर करो अपने रब की, ये चंद पैसों पे बिक ना जाओ, ये जबान के चस्के इन पर बिको मत, दुनिया बेच दो आखिरत ना बेचो। तो मेरा अल्लाह क्या कहेगा, कद वदअत अनकुम मऊनत अस्सुजूद, मेरे बंदो सजदे खत्म, एक सजदे की भी इजाजत नहीं, एक सजदे की भी इजाजत नहीं। अत्तालमा अतअतुम लिल अबदान व अनसतुम लिल वुजूद, मैं देखता था जब तुम रातों को उठ उठ के रोते थे, हाँ आज की उम्मत रातों को उठ के नंगे नाच देखती है,
घर घर में नंगे नाच, नंगे ये अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे कि रातें कैसी गुजरी, घुंघरू की छनकार, बेगैरत जिस्मों की थरथराहट और नजरों का जिना और कानों का जिना, क्या मेरा रब गफ्फार और सत्तार है जो पर्दे डाल देता है। अल्लाह क्या कहेगा, मैं देखता था तुम मेरे बारगाह में लंबे लंबे सजदे किया करते थे, तड़प तड़प आंसू बहाया करते थे, वो मंजर मेरे सामने हैं, वो बस वही काफी हैं। आज अल आन अफ़ज़ैतुम इला रूही व रहमती व करामती, यहां आकर निस्बत बदल गई, तुम मियां चन्नू में बंदे थे, गुलाम थे, मैं रब था, मैं आका था, मेरी जन्नत में आकर तुम मेहमान हो, मैं मेजबान हूं, और मेहमान से काम नहीं लिया जाता, मेहमान से काम बड़ा बेगैरत मेजबान है जो आके पानी भी आप पी ला, रोटी भी आप खा ला, तो तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हारा मेजबान हूं, और मेहमान को तकलीफ देना ये मेजबान की शान के खिलाफ है। अब तुम बंदे तो हो ही, पर तुम्हारी मेहमानी अब बंदगी पर गालिब आ चुकी है, अब तुम मांगो मैं दूंगा, तुम खाओ मैं खिलाऊंगा, तुम पियो मैं पिलाऊंगा, तुम सवाल करो मैं पूरा करूंगा, तुम अपनी लज्जतों की तमन्नाएं करो मैं पल झपकने से पहले तुम्हारे लिए हाजिर करूंगा, पेश करूंगा, तेरे मांगने में तो एक वक्त आएगा कि तू थक के कहेगा या अल्लाह हुण मैं पता नहीं लगता मैं की मंगा, पर तेरा रब तुझे देने में कभी नहीं थकेगा। अहिल्लु अलैकुम रिदवानी फला असखतु अलैकुम अबदा, मैं तुम से राजी हो चुका हूं, मैं कभी नाराज नहीं होगा, जाओ कुलो वश्रबो हनिया बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, जो तुमने दुनिया में मुझे राजी किया था आज उसका सिला अपने रब से पाओ, कि तुम्हारा रब तुम्हें हमेश 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 के लिए बका का फैसला कर चुका है। मेरे भाइयों, इस जन्नत के खरीदार बनो, मन खाफ अदलज मन अदलज बलग अल मंजिल, अला इन सिलअत अल्लाह अल गालिया, अला इन सिलअत अल्लाह अल जन्ना, अल्लाह का सौदा बहुत महंगा बहुत महंगा। ओहो, उलमा ने लिखा है दोज़ख का अजाब बहुत बड़ा अजाब है, आग में जलना आग में, लेकिन लेकिन दोज़ख वालों के लिए दोज़ख से भी बड़ा अजाब, जहन्नम की आग से भी बड़ा अजाब सांप बिच्छुओं के डसने और फरिश्तों की मार और खोलते पानियों में उबलने गलने से भी बड़ा अजाब यह है कि वो अल्लाह के दीदार से महरूम है। अल्लाह, ओ भाइयो, कोई अल्लाह से भी यारी लगा लो, ये उम्मत अल्लाह के बड़े प्यार करने वाली थी, ये अल्लाह के लिए मर मिटने वाले लोग थे, हम ही एक तेरे मार का आराओं में, खुशकियों में लड़ते थे कभी दरियाओं में, आय हाय। इकबाल भी अजब नौहे पड़ गया, पर जिन्हें गाने सुनने से फुर्सत ना हो उन्हें क्या खबर के इकबाल कौन था। मैं इंडोनेशिया गया 1996 में, तो वहां का जनरल हबीबी सदर था इंडोनेशिया का, उसकी मुलाकात में उसने कहा कि आपके इकबाल आपके शायर इकबाल की शायरी को हमने अपनी इंडोनेशी जुबान में मुंतकिल करके तहरीक आजादी को उठाया। मैंने कहा हमारी कौम को तो पता भी नहीं कि इकबाल है कौन।
اس امت نے اللہ کو بہت چاہا ہے, مر مٹنے کی عجب داستانیں قائم کی ہیں. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی, کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اللہ کے لیے جینا اور مرنا ان کی زندگی کی معراج تھی. حکومتوں کو ٹھوکر مار دینا, سیم و زر کو ٹھکرا دینا, دنیا اور دنیا کی لذتوں سے منہ موڑ جانا اور اللہ پر فدا ہو جانا, چر جانا, لٹک جانا, جل جانا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا, ایک تاریخ لکھی ہے اس امت نے. پوری دنیا کے ایمان والوں کے پاس ایسی تاریخ نہیں ہے, صرف ایک کربلا ہی ایسی تاریخ ہے جو ساری آدم انسانیت, ساری آدم کی نسل پر بھاری داستان ہے کہ کس طرح اللہ کے نام پہ وہ لوگ چڑھ گئے نیزوں پر. میں نے ابھی آپ کو جنت سنائی, اس آس سے کہ اللہ ہمیں جنت میں پہنچا دے, پر پتہ تو کوئی نہیں نا. اللہ کہے نہیں مجھے نہیں منظور, تو ہم کوئی لڑ سکتے ہیں؟ اللہ کہے مجھے تمہارا جمعہ منظور نہیں ہے, مجھے تیرا بیان منظور نہیں ہے, میرے پاس کوئی حجت نہیں, تمہارے پاس کوئی حجت نہیں. ہاں یا اللہ تو سچا ہے, ہم جھوٹے ہیں, ہم نہیں حق ادا کر سکے تیری بندگی کا, تیری عبادت کا, تو سچا ہے. لیکن یہ جو سر نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں, یہ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تم ایک روپے پہ یہ دکاندار جھوٹ بولتا ہے, یہ سارے کپڑے والے کچے رنگ کو پکا بتا کے قسمیں اٹھا کے بیچتے ہیں, سارے بازار تمہارے کھوٹ اور ملاوٹ سے بھرے ہوئے ہیں, دھوکہ تمہاری منڈیاں دھوکے فراڈ اور فریب سے بھری ہوئی ہیں, تمہارے بازار ڈنڈی مارنے سے بھرے ہوئے ہیں. کتنے دکاندار ہیں جنہوں نے گز کو میٹر بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ہر ایک تو ناپ میں 3 انچ بچا لیے, 3 انچ تو بچا لیے پر اللہ کو تم نے اپنے سے جدا کر دیا. پیچھے مڑ کے دیکھو, دنیا میں سب سے عالی خاندان سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. جنہیں جنت کی بشارتیں اس وقت ملی جب ابھی ماں کا دودھ پیا جا رہا تھا, ابھی تو حسین کا دودھ بھی نہیں چھوٹا تھا جب میرے نبی نے کہا تھا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, پھر وہ دار پہ چڑھ گئے. تم کہتے ہو میں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں, میں رشوت نہ لوں تو بچوں کو کہاں سے کھلاؤں. تم کہتے ہو میں جھوٹ نہ بولوں تو بچوں کو کہاں سے کھلاؤں, میں کچے رنگ کو کچا بتا دوں تو میرا کپڑا کون خریدے گا, میں ملاوٹ نہ کروں تو پھر میرے گھر کا خرچہ کہاں سے چلے گا, میں دھوکا نہ دوں تو پھر میرے گھر کا بجلی کا بل کہاں سے جائے گا, میرے بچوں کی سکول کی فیس کون بھرے گا. یہی تمہارے میرے عذر ہیں, میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں, ہم سب اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہیں. اور اولاد ہی ہوتی ہے بیویوں کے مطالبے ہوتے ہیں, جس پر آدمی ایمان کے سودے کرتا ہے اور غیرت کے سودے کرتا ہے اور ضمیر کو تھپکیاں دے کے سلا دیتا ہے اور اس کی اندر کی آوازیں وہ سنتا ہی نہیں ہے, بہرا بن جاتا ہے, پہرا ہو جاتا ہے. ہاں شکر کرو اس اللہ کا جو بڑے سے بڑے دھوکے باز کے اندر بھی ایک آواز اٹھاتا ہے, غلط کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو. اس آواز کو تم دبا نہیں سکتے, لیکن سارا بازار جب ڈنڈی مار رہا ہو, سارا بازار جب غلط توڑ رہا ہو, سارا تاجر جب جھوٹ بول رہا ہو, سارے سمراد, میں سب کی نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی لاکھوں میں ایک ہے بھی صحیح جو اللہ سے ڈر کے دکان پہ بیٹھتا ہے, جو اللہ سے ڈر کے عدالت کی کرسی پر بیٹھتا ہے, جو اللہ سے ڈر کے اپنے قلم کو اٹھاتا ہے. لیکن میں تو عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں. وکیل چور کا کیس پہلے لیتا ہے کہ یہ پیسے زیادہ دے گا, وہ قاتل کا کیس زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے کہ ادھر سے پیسے زیادہ آئیں گے, مظلوم کہاں سے پیسے دے گا, وہ تو میری فیس ہی نہیں بھر سکے گا. جا
जहां इंसाफ का कलम बिक जाए, जहां अदालत का काजी पैसों पे बिक जाए, जहां का ताजर चंद कोड़ियों पे डंडी मार जाए, झूठ बोल जाए, धोखा दे जाए, फ्रॉड कर जाए, फरेब कर जाए, और फिर साथ दलेरी से कहे अल्लाह आप पे बशकेसी, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, अल्लाह आप पे बशकेसी, सारा की सारा जहान कीती जांदा है, मैं कर लिया तो की हो गया, मैं कर लिया तो की हो गया, सारे पुलिस वाले रिश्वत ले रहे हैं, सारे वापड़ा वाले रिश्वत ले रहे हैं, सारे ये रिश्वत ले रहे हैं, सारे वो रिश्वत ले रहे हैं, और मैंने ले ली तो क्या हो गया, बहुत कुछ हो गया, तेरा रब तुझसे रूठ गया, तुझे पता ही नहीं चला, तूने अपने रसूल के आंसुओं की कीमत ही ना लगाई, तूने नबी की आहों को बेच दिया, तुझे उसकी औलाद के जख्म, चलो उसकी औलाद को छोड़ो, उस अपनी हस्सी को ले लो जो ताइफ में पत्थर खाता हुआ जा रहा है और गिरता है, फिर उठ के दौड़ लगाता है, फिर पीछे पत्थर पड़ते हैं, फिर वो चकरा के गिरता है, फिर वो उठ के भागता है, फिर वो चकरा के गिरता है। मैं गया हूं ताइफ सिर्फ देखने के लिए कि मेरे नबी पे यहां क्या गुजरी थी, यहां क्या बीती थी। ताइफ के पहाड़ रोए, वो वादी रोई, आसमान के फरिश्ते दो दफा रोए हैं, जब से फरिश्ते पैदा हुए हैं आसमान के फरिश्ते दो दफा रोए हैं। एक जब 94 साल का बूढ़ा इब्राहिम अपने बच्चे के हाथ बांध के, पांव बांध के नीचे लिटा चुका था, और घुटनों उसकी कमर पे रखकर छुरी को तोल कर और उसके सर के बाल पकड़ के गर्दन को ऊपर उठाया, छुरी को हाथ में लिया, बाल हाथ में, एक हाथ में बाल हैं, एक हाथ में छुरी है, घुटना कसाई की तरह बच्चे की कमर पर है। 94 साल दा बुढ़ा 9 साल दे पुत्र नू कोवण जा रहा है, आसमान को देखा, एक नजर आसमान पे डाली, कहे मेरे रब तू मुझ पे नाराज हो गया था कि इस्माइल की मोहब्बत ने मेरे दिल में जगह पकड़ ली थी, आज मैं इसे तेरे नाम पे ज़बह कर रहा हूं। इस पुकार पर सातों आसमान के फरिश्ते धाड़ धाड़ मच गई, धाड़ धाड़। और फिर 4000 साल के बाद जब मेरे नबी को पत्थर पड़े हैं और वो गिरा है और फिर उठा है, अब फिर गिरा है और फिर उठा है, तो सातों आसमान के फरिश्तों में हाय हाय मच गई, चीखो पुकार। और मियां चन्नू का शहरी कहता है झूठ ना बोलना तो रोटी की थूखावा। पाकिस्तान का सियासतदान कहता है चोर को ना छुड़ाऊं तो वोट कहां से लूं, लानत है इस सियासत पर और लानत है इस कुर्सी पर और लानत है इस तिजारत पर और इस नौकरी पर जिसमें तुम्हारा हर कदम तुम्हारे नबी के सीने पे जाके पड़ रहा है, तुम्हारा हर बोल खंजर की तरह तुम्हारे नबी के सीने के अंदर उतर रहा है। तुम्हें ताइफ याद नहीं है कि आसमान के फरिश्ते जिस पर रोए थे। और फिर हाय हाय ये कौन था, ये माशूक था, इसका आशिक कौन है, अल्लाह। ये कौन था, ये महबूब था, इसका हबीब कौन है, अल्लाह। ये कौन था, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह था, इसका रब कौन है, वो अल्लाह। इतने इक्तदार वाला अल्लाह अपने हबीब को पत्थर खाते देख रहा है। और फिर बेहोश हुए जैद बिन हारसा ने कंधे पे उठाया और दौड़ लगाई और जाकर दुश्मन के बाग में छुपे। वो दुश्मन का तो कदी मैं की दसा कितों हिंजू ले आवा, मेरे तो रो रो मुक गए। उतबा के बाग में पना ली, उतबा जिसके हाथ में बदर की जंग का झंडा था, उतबा जिसने बदर की जंग में कहा था मोहम्मद हमारे मुकाबले में आओ, तो आपने मदीने के अंसारी भेजे, कहा हट जाओ मोहम्मद कौम कौम से लड़ेगी, मेरी कौम भेज, अपनी कौम भेज। ये वो उतबा था, वो उतबा। लेकिन अल्लाह के नबी को लहू लुहान देखकर वो भी रोने बैठ गया था, जिसको देखकर दुश्मन रोए, तुम न रोए, तुम्हारे तराजू गलत तोलते रहे,
तुम्हारी जबानें झूठ बोलती रहें, तुम कच्चे रंग को पक्के बना के बेचते रहें, ये मंडियों वाले एक खोट मिलावटें करते रहे और ये हुकूमतों वाले जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते रहे और ये सियासतदान चोरों को छोड़ाते रहे और बेगुनाहों को ढकवाते रहे। ऐसा नो वोट नहीं दिते, इनू ढका दियो, फलाना अफसर साढ़े FIR कट दो, जो कम वक्त कटे। हाँ हाँ हाय हाय, तुम्हारे नबी को देखकर दुश्मन रोया है, तुम क्यों नहीं पसीजते हो? तुम्हारे दिल कहां चले गए? किधर बेच के आ गए हो? किधर सुला दिया है अपने जमीर को? किधर बेच के आ? ये तो ना बिकने वाला सौदा था, इसे कहां बेच दिया? उतबा जैसा जानी दुश्मन कहने लगा, हाय हाय मोहम्मद के साथ क्या हो गया, और भागा। क्या हुआ? कुरैशी खून ने जोश मारा, कुरैशी खून रिश्ता नाता उभर के आ गया कुफर पर, प्लेट उठाई और भागा और अंगूर तोड़ तोड़ के प्लेट में सजाए। जब जाने लगा तो शर्म आई और अपने गुलाम को अद्दास को बुलाया, अद्दास ये ले जा अंगूर और मोहम्मद से कहना, तुझे रिश्तेदारी का वास्ता मेरा हदिया रद न करना, खा लेना। आपने अद्दास ने आकर अंगूर सामने रखे तो आपने उससे पूछा, तू कहां का है? अपने जख्म फिर भूल गए, कहा चलो शायद ये ही कलमा पड़ जाए। तू कहां का है? कहा जी मैं नीनवा का हूं। कहा अच्छा, मेरे भाई यूनुस के शहर के हो? कहने लगा, वमा अदरा कमा यूनुस, आपको यूनुस अलैहिस्सलाम का कैसे पता है? आपने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं, वो भी अल्लाह का रसूल था। फिर आपने सूरह यूनुस की तिलावत फरमाई तो आपके कदमों में गिर गया और आपके पांव पकड़ के चूमने लगा और कलमा पढ़ लिया। मेरे नबी को अपने जख्म भूल गए। फिर वहां मेरे नबी ने दुआ मांगी है, ऐसी दुआ मांगी है कि आसमान हिल गया, अर्श थरथरा उठा, पहाड़ लरज गए। अल्लाहुम्मा अश्कु इलैक ज़ौफ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी इलन नार, अल्लाहुम्मा इला मन तकलनी। ए मेरे रब, ए मेरे रब, ओए होए सुनो अपने नबी की दुआ, ए मेरे रब मैं तेरे आगे अपने दुखड़े बयान करता हूं, आज मैं तुझे गिला देता हूं। आज मेरे साथ क्या हो गया? यकीनन मेरी मेहनत की कमी है, मेहनत की कमी है रसूल अखे, मेरी महकिल्लत हिलत, मेरी मेहनत की कमी है, पर या अल्लाह आज मैं तुझे गिला देता कि तूने मुझे किन के हवाले कर दिया। इला बईदन यतजहमुनी औ इला अदुवन मल्लकतहु अमरी, तूने मेरे दुश्मनों को मेरे ऊपर चढ़ा दिया, इन्होंने मुझे पारा पारा करके रख दिया, लेकिन 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 इल्लम तुकुन अलैया साखतन फला उबाली, अगर मेरे खून के नजराने से तू राजी है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। लैतक तहलु वल अयाम मरीरत वलैतक तरजा वल अनाम गदाब وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب فإذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب. मेरे रब तू राजी है, मुझे कोई परवाह नहीं, तू मिल गया मुझे सब मिल गया, तू खुश हो गया मेरे सारे दर्द दुख खत्म, मेरे जख्म भर गए। ऐसी दुआ थी कि फैल गए आसमान के फरिश्ते और उतरा जिब्रील भागा हुआ और पहाड़ों का फरिश्ता कया रसूल अल्लाह, आपके रब ने आपकी दर्द भरी फरियादों को सुना है,
और ये पहाड़ों का फरिश्ता आया है, अब हुक्म दें इनको पीस के रख दे सुरमे की तरह। वाह वाह, रहमतुल्लिल आलमीन, रहमतुल्लिल आलमीन। सैयदुल अमीन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नजार बिन मुआद बिन अदनान बिन अवद बिन हमीसा बिन सलामान बिन औस बिन बौद बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाह बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन आफी बिन अबकर बिन उबई बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरअवा बिन आयगी बिन सिजीशान बिन ईसर बिन अकनाद बिन ईहाम बिन मुकसर बिन नाहिफ بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائد بن عابر بن أرخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالي بن إدريس بن يرد بن مله الإيل بن قينان بن آنوش بن شيخ وبن آدم عليه الصلاة والسلام محمد الرسول الله ये वो हबीब है जिसकी पीढ़ी अल्लाह ने आदम तक सजा के रखी संभाल के रखी। मैनू पंजवें दादे दा ना ही कोई नहीं आंदा, अपने पंजवें दादे दा मैनू ना कोई नहीं आंदा, मैंने तुम्हें अपने नबी की सारी पीढ़ी सुना दी है, तोड़ आदम अलैहिस्सलाम तक सुना दी है। ये हबीब था, ये महबूब था, ये हबीब है, ये महबूब है, और ये उम्मत की खातिर ऐसा पिसा है कि पत्थर मारने वालों के हक में फरमाया, नहीं 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 नहीं, अगर इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो मुमकिन है इनकी औलाद ही कलमा पढ़ जाए। उसकी कुर्बानियां तो देखो, ओहद की जंग है, शिकस्त हो चुकी है, जमीन व आसमान हिल गए, ओहद पहाड़ आंसू बहा रहा है, हमजा जैसा शख्स सवार इस्लाम और असदुल्लाह उस जबा हो चुका है, नाक कट चुका है, कौन कट चुके हैं, हिंदा ने सीना चीर दिया, कलेजा निकाल के चबाया और चबा के फेंक दिया, और बेबसी की हालत है, और सारा कुरैश मक्का मेरे नबी के कत्ल के लिए जमा हो चुका है, कुछ लोग मेरे नबी के गिर्द जमा हुए और बहादुरी की और शजाअत की और फनाइयत की और कुर्बानी की और मोहब्बत की और इश्क की ऐसी तारीख लिख गए कि कोई अंधा हो तो उसे नजर ना आए, वरना रोशन सूरज से ज्यादा, चमकदार तारों से ज्यादा, खूबसूरत चांद से ज्यादा, बुलंदोबाला आसमान से ज्यादा, हाँ 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 हाँ, ये कौन लोग थे, चंद लोग थे जिन्होंने मेरे नबी को घेरे में लिया, एक अबू बकर, एक उमर, एक अली, एक तलहा, एक जुबैर, एक साद बिन उबादा, एक साद बिन मुआज़, एक सहल बिन हुनैफ, एक अब्बाद बिन बिशर, एक साद बिन अबी वक्कास, एक अबू दुजाना, एक अब्बा, एक अबू कतादा बिन नुमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, इन्होंने मेरे नबी को घेरे में ले लिया, 1000 आदमी पलट के आ रहा है और ये 12-13 आदमी सीसा फैलाई दीवार। हजरत तलहा ने अपने हर तीर को अपने हाथ पे लिया, हर तीर आने वाला, हजरत तलहा का ये सारा हाथ मरते दम तक के लिए खत्म हो गया, शल हो गया। मेरे नबी ने कहा, औजब तलहा, औजब तलहा, औजब तलहा, तलहा आज तेरे ऊपर जन्नत वाजिब हो गई, जन्नत वाजिब हो गई, जन्नत वाजिब हो गई। कतादा बिन नुमान सीना सपर हो गए, तीरों की बोछार, एक तीर आया और कतादा की आंख में लगा, उन्होंने मुड़ के अल्लाह के नबी को देखा तो चेहरा लहूलुहान और तीर आंख में उतरा हुआ, तो मेरा नबी तड़प उठा और रोए रोए और तीर बाहर निकाला तो कीमा आंख का निकल के
तीर के साथ लग गया, आपने उसे जुदा करके अपनी हथेली पे रखा, फिर वो उसको उठाकर नवाले की तरह आंख में रखा, ऊपर अपनी हथेली को और अपने हाथ को रखा, फिर आपने आंसू बहाए, ऐ मेरे रब ये कतादा की आंख तेरे नबी की हिफाजत में साए हुई है, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे रब इस आंख को दूसरी से ज्यादा खूबसूरत बना दे। जब हाथ हटाया तो यह आंख इससे ज्यादा रोशन चमकदार थी। एक तारीख लिखी है, जब उन्होंने देखा कि हम करीब नहीं पहुंच रहे हैं, तो फिर उतबा बिन अबी वक्कास इसने एक पत्थर उठाया और उधर से बोछार थी हमलों की और दूर से जो मारा है, तो रुकते रुकते भी वो पत्थर जाके मेरे नबी के मुंह पे यहां लगा, यहां, और आप सीधा ऐसे गिरे पीछे, सीधा पीछे, एक खड्डा था उसका किनारा गर्दन में लगा और आप बेहोश होके गिर गए, चेहरा लहू लुहान, दांत टूटे हुए, सहाबा पे क्या गुजरे होगे, और यूं लग रहा था जैसे आप शहीद हो गए। थोड़ी देर में होश आया, आंखें खोली तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इनके लिए बद्दुआ कर, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो आपस में एक दूसरे को मार मार के तबाह हो रहे हो, पैसे के पीछे, रिश्तों के पीछे, जमीनों के पीछे, जायदादों के पीछे, मजहब के नाम पर एक दूसरे के गले काट रहे हो, जमीनों पर एक दूसरे के गले काट रहे हो, भाई भाई का दुश्मन है, सुनो अपने रसूल की सुनो। आपको होश आया तो साहब ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह इनके लिए बद्दुआ करें। आपने हाथ उठाए, आया आसमान टूट कर और भौंचाल आया जमीन में, और शायद उहद पहाड़ रेजा रेजा होकर बरस जाए इन पर, और पत्थर बरस जाए, बिजलियां कड़क जाए, सायका गिर जाए, लेकिन 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 तुम्हारे नबी ने क्या कहा, बहते खून के साथ, टूटे दांतों के साथ, तड़पते बदन के साथ, जख्मी जिस्म के साथ तुम्हारे नबी ने कहा, अल्लाहुम्मग़फिर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दे, इन मारने वालों को माफ कर दे, इनको मेरा पता कोई नहीं है, यला ये मेरी कौम है, यला इन्हें कुछ ना कहना, बस इन्हें माफ कर, बस तू जानी कर, ये रसूल है। हाँ हाँ, किसके उम्मती हो, किसके उम्मती हो मेरे भाइयों, रमजान का महीना आ रहा है, तौबा करो, अल्लाह के दरबार में झुको, अपने आप को बुगत से निकालो, झूठ से निकालो, फरेब से निकालो, क्या जुल्म और सितम है कि मेरे नबी ने कहा मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता और धोखा नहीं दे सकता, और सारा बाजार और सारी अदालतें और सारी सियासतें और सारी जराअतें झूठ और धोखे पर चली गई, दरवेशी भी अय्यारी बन गई और सुल्तानी भी अय्यारी बन गई, मिंबर और मेहराब भी नफरत के शोले भड़काने लगे, नफरतों के तीर मिंबर रसूल से बरसने लगे। होश में आओ, होश में आओ, इस दीन को मेरे नबी ने अपने खून से परवान चढ़ाया है, अपनी औलाद के खून से परवान चढ़ाया चढ़ाया है, तुम देखते नहीं हो कैसी महबूब औलाद, जिसको सीनों पे लिटा के प्यार किया, जिसको कंधों पे बिठा के सवारी बन के कमरे में चक्कर लगवाए, जिसको कमर पे बिठा के चक्कर लगवाए, जिसको फर्ज नमाज के सजदों में चढ़ के ऊपर बैठे हैं, तो आपने सजदा ही लंबा कर दिया। सहाबा ने सर उठा के देखा कि आज सजदा क्यों लंबा हो गया है, देखा तो हसन ऊपर चढ़ा हुआ है, हुसैन अंदर घुसा हुआ है, तो एक सहाबी ने आगे बढ़ के हाथ बढ़ा के उतारना चाहा कमर से, तो आपने सजदे के अंदर हाथ के इशारे से रोक दिया, मत उतारो, सवार अपनी सवारी पे सवार है। और ये
कटे सर के साथ इब्ने ज़ियाद के सामने आ चुका है, कटा हुआ सर है और उसके हाथ में छड़ी है और वह मुंह पे मारता है ऐसे और कहता है मैंने ऐसा हुसन आज तक नहीं देखा, और कहता है मरने के बाद ऐसा रोशन चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। हजरत इमाम हुसैन सर से लेकर कमर तक हजरत अली के मुशाबे थे, और कमर से लेकर पांव तक अल्लाह के रसूल के मुशाबे थे, और हजरत हसन सर से लेकर कमर तक अल्लाह के रसूल के मुशाबे थे, और कमर से लेकर पांव तक हजरत अली के मुशाबे थे। मेरा नबी कहा करता था हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है, इस मुशाबत की वजह से आज ये कटा ये वो सर है जिसने नबी की गोद में नींद ली हुई। तुमसे झूठ नहीं छुटता, जिना नहीं छुटता, शराब नहीं छुटती, चोरी नहीं छुटते। और इब्ने ज़ियाद यूं मारता है, यूं मारता है, ना रह सके अबू बरज़ा असलमी, वो खड़े हो गए, ओ बदबख्त ये छड़ी इधर से हटा, मैंने इन होंठों पे नबी के होंठों को लगते देखा हुआ। तुम कहते हो झूठ ना बोलना तो बच्चों रोटी कितों खावा, रिश्वत ना लवा तो बच्चों रोटी कितों खावा, वकील कहता है कातिल दा केस ना लड़ा तब तो बच्चों रोटी कितों खावा, और ये सरकारी महकमे वाला कहता है मेरी तो तनख्वाह ही बड़ी थोड़ी है, मैं रिश्वत ना लवा तो मैं बच्चों रोटी कितों खावा। हुसैन से कीमती हो गए तुम्हारे बच्चे। यही सर फिर नेजे पे चढ़ा हुआ यजीद के दरबार में जाता है। मैयत का सर सलामत रह सकता है, वो तो गोश्त गलना शुरू हो जाता है, लेकिन ये ऐसा तरोताजा फूल है, ये वो गुलाब है जो कभी नहीं मुरझाएगा। हजारों मील का सफर करके गर्मी सर्दी के थपेड़े सहकर जब यजीद के दरबार में ये शाह सवार उतरता है तो वहां भी इसका हुस्न चौदहवीं रात के चांद को शर्माता है, और यजीद भी कहता है ऐसा हुस्न कभी नहीं देखा, फिर वो भी मुंह पे छड़ी मारता है। तो ज़ैद इब्ने अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर खड़े हो जाते हैं, कहते ओ फिरौन ये छड़ी यहां से हटा, मैंने यहां अल्लाह के नबी के होंठों को लगते देखा हुआ है। मेरे भाइयों मुझे खतीब न समझो, मुझे फरियादी समझो, मैं फरियाद हूं, मैं साइल हूं, मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाता हूं। अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह के महबूब से सुलह कर लो, अल्लाह उसके रसूल से जंग लड़ना छोड़ दो, ये घाटे का सौदा है। रमजान का मुबारक महीना अल्लाह हमें नसीब फरमाए, ये आ रहा है, दोजख के दरवाजे बंद हो जाएंगे, जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, अल्लाह का अर्श पहले आसमान पे आ जाएगा और अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा बुराई करने वाले बस कर जा, नेकी करने वाले आगे बढ़ जा। फिर अल्लाह का ऐलान होगा है कोई तौबा करने वाला आ जाओ, है कोई जन्नत लेने वाला आ जाओ, है कोई दोजख से पना लेने वाला आज पना चाहने वाला आ जाओ, है कोई रिस्क मांगने वाला आ जाओ, है कोई दुनिया और आखिरत मांगने वाला आ जाओ। सहरी में उठोगे अल्लाह की रहमत तुम पर छा जाएगी, इफ्तारी के लिए जमा होगे अल्लाह की रहमत तुम पर छा जाएगी, इफ्तारी में दस्तरखान सजा के बैठे होगे और तुम हाथ उठाओगे दुआ के लिए, अल्लाह अर्श के फरिश्तों से भी कह देगा अपनी तस्बीह छोड़ दो, रोजेदारों की दुआ ते आमीन शुरू कर दो। तुम्हें भूख सताएगी अल्लाह तुम्हारे लिए जहन्नम की आग को बुझाएगा, तुम्हें प्यास सताएगी अल्लाह तुम्हें जन्नत के ठंडे चश्मों का पानी पिलाएगा। वसकाहुम रब्बहुम शराबन तहूरा, अल्लाह खुद तुम्हें अपने हाथों से पिलाएगा। तुम रोजे पूरे करोगे अल्लाह ऐलान करेगा मैंने अपने बंदों को रमजान के रोजे और रात की तरावी के बदले में माफ कर दिया। रमजान शहर रमजान, रमजान को रमजान कहते ही इसलिए हैं, रमजान का मतलब है जलना, रमजान का मतलब है जल जाना, रमजान का मतलब है जल जाना। तो रोजे के महीने को रमजान क्यों कहते हैं,
कि जब रोजा रोजा इंसान के अंदर भूख की आग भड़काता है और प्यास की तपिश भड़काता है तो उस पर अल्लाह इसके साल के गुना उस भट्टी में डाल के जलाता है जलाता है जलाता है। पूरा महीना जब गुजरता है तो इसके पूरे साल के गुना अल्लाह जला के राख करके उड़ा देता है और ये यूं हो जाता है जैसे मां के पेट से आज निकला हो। किसी उम्मत को तरावी की नमाज नहीं मिली, किसी उम्मत को तरावी की नमाज नहीं मिली, हमें मिली है, हमें मिली है। तरावी 20 रकात है, तरावी 20 रकात है, तरावी 20 रकात है। हजरत उमर से आज तक 1400 साल उम्मत का अमले मुतवातिर है कि तरावी 20 रकात पड़ी गई है, 14 सदी की गवाही है। और मेरे रब मेरे महबूब ने खुशखबरी सुनाई, तरावी के हर सजदे पे 1500 नेकी लिखी जाएगी। तुमने 20 रकात पढ़ी, तुमने 40 सजदे किए, तुम 60,000 कमा के घर जा रहे हो। फिर नेकी क्या चीज है, पूरा तसव्वुर कायम नहीं होता। तो इसके साथ अगली सुनो, तरावी के हर सजदे पर हर सजदे पर हर सजदे पर अल्लाह जन्नत में सुर्ख याकूत का एक महल बनाता है जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे होते हैं। तुम 40 सजदे करके निकले, तुम 40 घर बना के निकले, घर नहीं महल, और 60,000 नेकी लेकर निकले। तुम फर्ज पढ़ के निकल गए, कितना बड़ा तुमने अपने ऊपर जुल्म किया। तुम 8 पढ़ के निकल गए, तुमने कितना बड़ा अपने ऊपर जुल्म किया कि तुम 24 सजदों से महरूम चले गए। अपने दुनिया के काम घटा दो कि तरावी हमने पूरी पढ़नी है। साल में एक दफा भी अल्लाह का कलाम ना पढ़े। एक और बिदत चली है कई मस्जिदों में, अलम तरह कैफा से तरावी होती है। तरावी का मजाक ना उड़ाओ, तरावी का मजाक ना उड़ाओ। तुम अपने रब को एक घंटा ना दे सको सारे साल में तो क्या यारी है, क्या मोहब्बत है, क्या इश्क है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु हरम में दाखिल हुए और अल्लाहु अकबर नमाज की नीयत बांधी। अब्दुल रहमान तैमी बराबर में बैठे हैं, उस्मान उस वक्त अमीरुल मोमिनीन है और आमीन के बाद कहते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी। अब्दुल रहमान तैमी को तजस्सुस होता है कि आज अमीरुल मोमिनीन कितने कितनी सूरतों के बाद रुकू करेंगे। तो सूरत बकरा गई और आल इमरान गई और फिर निसा भी गई और मायदा भी गई और आराफ भी गई और अनफाल भी गई और तौबा भी गई और वन्नास पे जाके एक रकात में पूरा कुरान पढ़ के रुकू किया। अब तुम सवा घंटा तरावी नहीं सुन सकते हो। फिर अल्लाह ने शब कदर रखी है, 5 रातें जाग लो, आजकल रातें वैसे छोटी हैं, 21, 23, 25, 27, 29, लोग 27 को जागते हैं। इस गलत फहमी से निकलो, इस गलत फहमी से निकलो। 27 को शब कदर नहीं कहते, 27वीं को शब कदर नहीं कहते, 27वीं को शब कदर नहीं कहते। वो कभी 21 को होती है, कभी 23 में होती है, कभी 25 में होती है, कभी 27 में होती है, कभी 29 में होती है। जब मेरे नबी पे नबूवत का ताज सजाया गया और नबूवत का ऐलान करवाया गया और कुरान उतारा गया और जिब्रील आप पे उतरा, आपकी उम्र मुबारक उस वक्त 40 साल 6 महीने 10 दिन फिर की रात और 21 रमजान शब कदर थी जब जिब्रील ने आकर कहा कि या रसूल अल्लाह आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी हैं और आप अब रसूलुल्लाह भी हैं। वो तो रसूल तो मां के पेट में नहीं, रसूल तो आलम अरवा में ही रसूल होता है, जुहूर बाद में होता है, जुहूर। तो 5 रातें जागो, 5 सिर्फ 5 तो 1000 महीनों से ज्यादा अजर पाओ और पिछले सारे गुनाहों से बख्शिश पाओ। सिर्फ 4 आदमी रमजान में नहीं बख्शे जाते, अगर कोई ऐसा है तो तौबा करके उठना। सिर्फ 4 आदमी रमजान में नहीं बख्शे जाते, सिर्फ 4 आदमी। कौन 4 आदमी?
शराब पीने वाला, शराब पीने वाला रमजान में भी नहीं बख्शा जाता। कौन आदमी? माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को दुख देने वाला रमजान में भी नहीं बख्शा जाता। माँ किसे कहते हैं? मेरे नबी ने कहा, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे होता और मैं सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता और इधर से मेरे घर का दरवाजा खुलता और मेरी माँ मुझे कहती मोहम्मद, तो मैं कहता जी अम्मा जान, मैं नमाज तोड़ देता, मैं उसकी खातिर नमाज तोड़ देता। अम्मा जी हुक्म, मैं नमाज पीछे पूरी करता, तुसी फरमाओ। ये वो माएं हैं जिसको मियां चन्नू का बच्चा कहता है भौक नहीं, बकवास ना कर। हाँ हाँ, माँ बाप के नाफरमान पे अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, जमीन आसमान की लानत, ना उनकी नमाज कबूल, ना रोजा कबूल, ना सदका कबूल है। तीसरा आदमी दिल में बुगज पालने वाला, किसी के लिए बुगज रखने वाला, वट, जिन्हों हम कहते हैं मैं वट रखी वना कदी मैं कढ़ना है दोस्ते, मैं वट रखी वना कदी मैं कढ़ना है, ये वट रखने वाला, ये कीना रखने वाला नहीं बख्शा जाता। चौथा आदमी रिश्तेदारों से लड़ाई डालने वाला, रिश्तेदारों से फड्डे डालने वाला, खून के रिश्ते, भाई, चाचा, मामू, खाला, फूफी, ताया, इनसे और इनसे आगे मुताल्लिक रिश्तों से लड़ने वाला और उनसे बदतमीजी करने वाला, जब ये चार की फाइल आती है तो अल्लाह कहता परे कर दो, परे कर दो, जब तक ये तौबा नहीं करते इनकी माफी का कोई ऐलान नहीं है। रमजान को कीमती बनाओ, नफल फर्ज के बराबर, फर्ज 70 फर्ज के बराबर, एक रोजा ऐसा रख के दिखा दो, ना किसी को गाली दो, ना किसी की गिबत करो, ना किसी की चुगली खाओ, ना किसी की बुराई करो, ना किसी का ऐब देखो, ना किसी को हकारत की नजर से देखो, ना लुकमाए हराम मुंह में ले जाओ, ना किसी की बुराई सुनो, ना किसी का ऐब सुनो, एक रोजा ऐसा रख के दिखा दो तो तुम्हारे नबी का वादा है इस एक रोजे के बदले में अल्लाह जन्नत की 100 हूरों से तुम्हारी शादी करेगा, 100 हूरों से, और इस एक रोजे के बदले में अल्लाह तुम्हें जन्नत में ऐसा घर अता फरमाएगा कि अगर पूरी जमीन उठाकर उस घर में रखी जाए तो ऐसे नजर आएगी जैसे पूरी दुनिया में एक बकरी नजर आती है। तो मेरे भाइयों, जुमे का वक्त हो चुका है, अपने अल्लाह के दरबार में तौबा करो और अपने अल्लाह के दरबार में माफी मांगो, अपने अल्लाह उसके रसूल से सुलह करो। एक अल्लाह ही है जो तौबा के दर खोल के बैठा है, आ जा मेरा बंदा, जब आएगा देखेगा मेरी तौबा का दर खुला पाएगा। दिन में आ जा, रात में आ जा, उम्र तो कटी इश्क बुतामे मोमिन, आखिर उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। मैं आखिर उम्र नहीं कहता हूं, मैं आखिर सांस में कहता हूं, अगर तौबा कर ले तो भी मेरे रब के दरवाजे खुले होंगे। ये तो मोमिन खान ने शायरी की तरंग में कह दिया होगा, पर वो नेक आदमी था मोमिन खान मोमिन, आखिर उम्र नहीं, आखिरी घड़ी में मैं कह दो या अल्लाह मैं आ गया तो लगेगा लब्बैक आ जा। ये कोई पाकिस्तान का हुक्मरान थोड़ा ही है, ये कोई दुनिया का हुक्मरान थोड़ा ही है कि नहीं बदला लेना ही लेना है। ये तो अल्लाह है अल्लाह। तिर्मिजी शरीफ का एक वाक्या सुनाता हूं, फिर जुमा पढ़ते हैं। एक नौजवान था बनु इसराइल में जिसका नाम था किफल, किफल, हर रात नई लड़की उसके पहलू में आती थी और शराब का दौर चलता था, गाने बजाने का दौर चलता था और हर रोज अपने मुंह को वो काला करता था। एक रात एक लड़की को लेकर आया 60 दीनार के बदले में, 60 दीनार एक रात का, 60 दीनार तुम्हारे पाकिस्तान का 7 लाख रुपया बनता है। वो शख्स, वो नौजवान कितने पैसे वाला था जो एक रात के लिए 7 लाख खर्च कर रहा है। जब कमरा बंद किया और लड़की की तरफ बढ़ा तो वो रो रही थी, तो किफल ने पूछा
क्यों रो रही हो? तो उसने कहा, मैं पेशावर नहीं हूं, मैं इज्जतदार हूं, मुझे भूख ने यहां तक पहुंचाया है। ये मालदार लोग अगर जकात दें तो कितनी बच्चियां हैं जिनकी इज्जतें महफूज हो जाएं। ये जखीरा अंदोज अगर फिरौनियत छोड़ दें और दरिंदगी छोड़ दें और कारूनियत छोड़ दें तो कोई किसी की बेटी गुर्बत की वजह से अपनी इज्जत को नीलाम न करेगी। मेरे तो लंबे में बाजार हुसन है, मैंने वहां की औरतों को इकट्ठा किया, मैंने उनमें बयान किया, फिर वो मुझे मिलने आई। मैं उनकी कहानियां सुन के मैं तुम्हें क्या बताऊं जो मैं रोया हूं और जो मेरा सीना फटा है और मुझे इंसानियत की दरिंदगी नजर आई है कि हमारा मुआशरा कितना बेरहम मुआशरा है। हम तबलीग वाले सिर्फ मस्जिद में बयान नहीं करते, रंडी के कोठे तक अल्लाह ने हमें पहुंचाया है। कि हम भूखी मर जाएं। एक बच्ची को उसके भाइयों ने मार 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 के लहू लुहान कर दिया। उन्होंने कहा हूं वट छोड़ो, मैं ये बुरा काम नहीं करना। वो बेगैरत होते हैं मर्द जो आगे पेशा करवाते हैं, उनका वट छोड़ो हूं मैं काम नहीं करना। मालदार लोग जकात दें तो किसी की बेटी को इज्जत बेचने की जरूरत ना पड़े। उन्होंने कहा मैं इज्जतदार हूं, मुझे भूख ने यहां तक पहुंचाया है। तो किफल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा तू मेरी बहन है, तू इज्जत के साथ चली जा, जो मैंने तुझे पैसा दिया वो एक भाई का तोहफा है बहन को, और मैं बड़ा बेगैरत इंसान हूं, मेरे लिए दुआ कर अल्लाह मुझे माफ कर दे। और उन्होंने कहा मेरी तेरे सामने तेरे आंसुओं के तुफैल मैं तौबा करता हूं। और उसी रात वो मर गया। उसे नहीं पता कि आज मौत आई खलोती है, ते आज अखीर दी रात है, ते कल कबर दी रात है। उन्हें पता कोई नहीं, उतले नु पता है कि अखीर आई खलोती है। वो मर गया और कल क्या होना था इसको कंधा किसी ने नहीं देना था, इसका जनाजा किसी ने नहीं पढ़ना था, इसको कबर में किसी ने नहीं उतारना था। मुमकिन था इसको उठा के जंगल में वीराने में फेंक देते और दरिंदे खा जाते, पर अपने रब की कदरदानी सुनो सुनो कि आखिरी रात की आखिरी घड़ी की तौबा पर मेरे रब ने क्या किया। जब सुबह हुई तो शहर वालों ने देखा किफल के दरवाजे पर नूरानी सत्रों में लिखा हुआ था इन्नल्लाहा कद गफ़रा लिल्किफ़ल, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया। क्या मतलब था? उठियो, गुसल भी दियो, कफन भी दियो, जनाजा भी पढ़ो, मेरा ओंदा मामला है, मैं माफ कर छड़िया है। तौबा करो, गुनाहगारों को हकीर न समझो। कितने लोगों को दीनदारों ने बेदीन बना दिया। अच्छा आज तो सामी मसीह ते चा गए हो, आज तो सकी दे भूलते आ गए हो। ये वो जालिम लोग हैं जो नेकी के तकब्बुर में कितने लोगों को दीन से दूर कर चुके हैं। मेरे अल्लाह ने लिखवाया, मैंने किफल को माफ कर दिया है, उठो जनाजे पढ़ो दफन करो। तो मैं और आप तो मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत हैं, हमारे ऊपर तो अल्लाह का भी साया है और उसके रसूल का भी साया है। मुबारक घड़ियां हैं, बहुत बड़ा मजमा है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। तौबा करके रमजान का इस्तकबाल करो, बुगज निकाल के, नफरतें निकाल के, लड़ाइयां छोड़ के, झगड़े छोड़ के, रोसे छोड़ के, झूठ ख्यानत खोट मिलावट छोड़ के आज तौबा करके रमजान का इस्तकबाल करो। क्या खबर कल या परसों का रोजा हो जाए। इस तरह अल्लाह के रहमत का इस्तकबाल करो कि अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत की छांव में ले ले। तो कम से कम तौबा की नियत तो करो सर, कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह की कसम अगर तुमने दिल से कहा है तो
तो मुबारक हो, इस वक्त आसमान के फरिश्ते तुम्हें खुश होके देख रहे हैं, तुम्हारे होठों के बोसे लिए होंगे उन्होंने जब तुम कह रहे होगे या अल्लाह मेरी तौबा। और उस्मानिया मस्जिद के फरिश्ते एक दूसरे को गले मिल रहे होंगे कि शुक्र है हमारे महबूब की उम्मत के इतने हजार नौजवानों ने तौबा कर ली। और अल्लाह भी ऐलान कर रहा होगा, मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज मेरे बंदों ने तौबा की, मैंने माफ कर दिया। ठीक है ना, कुरान पूरा सुनना है, तरावी पूरी पढ़नी है, आठ पढ़ के नहीं भागना, छोड़ के नहीं भागना, इफ्तारी को कंट्रोल करके करो, पागलों की तरह मत खाओ। जब इफ्तारी का वक्त आता है ऐसे दीवाने होके गिरते हैं जिन्हें कल रोटी लभड़ी कोई नहीं, खाओ 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 खाओ, वो डटे पे हूं तराबियां कि मैं पढ़ी हूं तो उठे ही नहीं जानता, दा गिलास शरबत, दा समोसे, भी पकौड़े, दो टंगा कुकड़ दिया, हूं तो अड़कुल किमें उठाया जावे। थोड़ी सी इफ्तारी करो, थोड़ी सी इफ्तारी करो जिससे तुम्हारी भूख रुके प्यास रुके, थोड़ा सा पानी पियो जिससे भूख रुके प्यास रुके, फिर तरावी बशाशत से पड़ जाएगी, उसके बाद भावे भी रोटियां खा लो तो भावे भी कुकड़ पाड़ लो। लेकिन अगर तुमने तरावी इफ्तारी के वक्त अपने पर जुल्म किया फिर तुम प्यावने मज तरह हूं कि पढ़िए, साढ़े को उठी जाए नहीं, उठ ही नहीं सकने, पढ़िए क्यों। तो इफ्तारी के वक्त अपने पर काबू रखो, काबू रखोगे तो इंशाल्लाह आराम से तरावी पड़ जाएगी रात के। और इफ्तारी को दुआ मांगो, सहरी के वक्त दुआ मांगो, फर्जों के बाद दुआ मांगो, और अल्लाह के रास्ते में निकलकर दुआ मांगो, नबियों की तरह कबूल हो। पहला अशरा अल्लाह की राह में कुछ लगा लें, कुछ दूसरा अशरा अल्लाह की राह में लगा लें, कुछ तीसरा अशरा अल्लाह की राह में लगा लें, और नहीं तो कम से कम ये तीन दिन के लिए तो सारा मजमा नियत करे अल्लाह के रास्ते में जाने का। ठीक है ना भाई, करते हो ना नियत, चलो सुन्नतें पढ़ो। अल मुतअली अन शरीक व शबीह व बदील व नज़ीर व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फऊज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا فعملوا أنتم من الله على حضر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير في الجنة وطلحة في الجنة وصاد بن وقاص في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وصيد بن زيد أبو الأعور في الجنة أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون ألا إن حزب الله هم المفلحون اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عترته الطاهرين الطيبين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عترته الطاهرين الطيبين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله صفين رسول الله
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى فذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة أكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
اللہ اکبر. تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، ہم تیرے بندے ہیں، غلام ہیں، تیرے عبد ہیں، تیرے فقیر ہیں، نسل در نسل میرے مولا ہم تیرے غلام، اور تو نسل در نسل ہماری نسلوں کا آقا اور سردار اور شہنشاہ اعظم. یا اللہ، یا ہم سب وفد بن کے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہم سے راضی ہو جا یا اللہ. ہم نے ابھی توبہ کی ہے، چاہے زبانی کی، چاہے اوپر سے کی، چاہے دل سے کی، اسے سچی توبہ بنا دے، اسے ہمارے دلوں میں اتار دے میرے مالک. یا اللہ، تو سمجھاتا رہا ہم کوئی نہ سمجھے، تو بلاتا رہا ہم نے پھر کے بھی نہ دیکھا، مڑ کے بھی نہ دیکھا میرے مالک. تیرے ہر حکم کو توڑا، تیرے نبی کے ہر سنت اور طریقے کو چھوڑا میرے مولا. ہم اپنے پر ظلم کر کے، ستم کر کے، اپنی دنیا کی بازی ہار کے، اپنی آخرت کی بازی ہار کے، ہارے ہوئے جواری کی طرح تیرے در پہ آ گرے ہیں مولا. تو ہماری آخری آس اور آسرا ہے، نہ ہمیں حکمرانوں پہ آس ہے، نہ ہمیں فوجوں اور ایٹمی طاقتوں پہ آس ہے، نہ ہمیں پہرے داروں کے آسرے ہیں. ہماری تو آس بھی تو ہے، سہارا بھی تو ہے، سب کچھ تو ہے. یا اللہ، تیرے دربار سے بھی اگر دھکا مل گیا پھر ہم تباہ ہو گئے. اے وہ رب جس نے کفل کو معاف کیا تھا اس کے چند آنسوں کے توفیل، اے مولا ہم تو تیرے محبوب کی امت ہیں، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، تیری رحمت نے اس پر چھاؤں کر دی. اے میرے مولا، یہ سارا مجمع تیرے حبیب کا امتی ہے، ان پر بھی رحم فرما دے. اے اللہ، کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا تیرا محبوب ہمارے لیے رویا. تو نے ان کے صحابہ کو تو جنتی ہونے کا وعدہ کر دیا تھا، بشارت دے دی تھی، وہ کلن وعد اللہ الحسنا کی آیت اتار کر میرے آقا تو نے اپنے نبی کے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیا تھا کہ میرے حبیب، تیرے سب صحابہ کی جنت کا وعدہ کرتا ہوں. پھر جو تیرا نبی 10 سال تڑپ تڑپ رویا اور راتوں کو رویا، یعنی وہ ہمارے لیے روتا تھا کہ میری آنے والی امت کا کیا بنے گا. تو نے کتنی دفعہ جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کے آنسو پوچھ کے آؤ اور اسے کہو وہ کیوں روتا ہے اور وہ کیوں تڑپتا ہے. اور یا اللہ، یہ تیرے نبی کی سچی خبریں ہم تک پہنچی ہیں کہ تیرا نبی جواب میں کہتا تھا مجھے امت کا غم رلاتا ہے. پھر تو نے ایک دن اپنے حبیب سے کہا تھا میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا، اور تیرے نبی نے پھر جواب میں کہا تھا پھر جب تو سب کو معاف کرے گا تو پھر میں خوش ہوں گا. اے کریم اللہ، ہم اپنے جھولیوں میں گناہ لے کر آئے بیٹھے ہیں، نیکیاں لے کر نہیں میرے مولا. یہ جو اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں یہ گناہوں سے گندے، یہ بولنے والی زبان یہ گناہوں سے گندی، یہ وجود سرا نافرمانی کے کیچڑ میں، گندگی میں یا اللہ دھنسا ہوا، لتھڑا ہوا. یا اللہ، جیسے بچے کو گندگی میں گرا دیکھ کر ماں دھکا تو نہیں دیتی، انگلی سے پکڑ کے ٹوٹی کے نیچے نہلا دھلا کے کپڑے پہنا کے پھر سینے سے لگا دیتی لیتی ہے. میرے مولا، ہم سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، تھتکارے ہوئے، ٹھکرائے ہوئے ہیں. یا اللہ، پوری دنیا کا باطل ایکا کر چکا ہے تیرے حبیب کی امت کو ذبح کرنے پر، انہیں مٹا دینے پر. یا اللہ، تو کرم فرما، تو رحم فرما، تو حفیظ ہے، حفاظت کو آ جا، تو وکیل ہے، وکالت کو آ جا، تو شہید و رقیب ہے، تو ہمارا نگہبان بن جا. ہمیں تیرے آسرے کی ضرورت ہے. یا اللہ، ہم اپنے جیسے کمزوروں کا آسرا نہیں چاہتے. ہمارے حکمران تو ہم سے بھی کمزور ہیں، ہماری فوجیں تو ہم سے بھی کمزور ہیں، ہمارے پولیس والے ہم سے بھی کمزور ہیں. یا اللہ، ہم سارے ہی کمزور ہیں میرے مولا. کمزور کمزور کو کیا نفع پہنچائے گا؟ اے وہ ذات جس کا نام قوی ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مہیمن ہے،
عزیز ہے جبار ہے متکبر ہے اے ذوالجلال والاکرام اللہ تو فیصلہ کرنا یا اللہ صدیاں ہی گزر گئیں اس امت کو مٹتے ہوئے پستے ہوئے لٹتے ہوئے اب تو میرے مولا ہمارے درخت بھی سوگوار ہیں ہماری زمین دھرتی بھی سوگوار ہے خاص طور پر میرے آقا میری دھرتی ہماری دھرتی تو خون کے مشکیزے بن چکی ہے یا اللہ کوئی گناہ تو ایسا ہوا ہے جس سے چاروں طرف آگ ہے بارود ہے تڑپتے ہوئے لاشیں ہیں قتل و غارت ہے بوڑھی ماؤں کے بین ہیں اے رب اللہ ہم آج تجھے فریاد سننے آئے ہیں اور ضدی فقیر بن کر آئے ہیں وہ فقیر جو پیچھا ہی نہیں چھوڑتا آخر دعانی چوانی لے کے ہی اٹھتا ہے ہم بھی آج تیری رحمت کی آس پر تیرے حبیب کی رحمت کی آس پر ہم تیرے در پر میرے مولا ضدی فقیر بن کر آئے ہیں ہمیں دھکا نہ دینا یا اللہ ہمیں سب نے دھکا دے دیا ہے میرے آقا تو بھی دھکا دے دے اے کریم مولا چھوٹے بچے کو ماں باپ ہی گھر سے نکال دیں تو کون اس کے آنسو پوچھے گا آج تیرے محبوب کی امت اس بچے کی طرح ہے جو دھتکارا گیا ہے تیرا نبی تو بہت رویا کرتا تھا اپنی امت کے لیے چور کے ہاتھ کٹنے پہ بیٹھ کے رونے لگ گیا تھا اے میرے رب آج تو معصوموں کے گلے کٹ رہے ہیں بے گناہوں کے لاشے آروں سے چیرے جا رہے ہیں اے کریم اللہ تو اپنی نصرت کو اتار دے اپنی رحمتوں کو اتار دے ساری دنیا کا باطل تانے دیتا ہے کدھر ہے تمہارا رب کہاں ہے تمہارا اللہ اے اللہ تو ہر جگہ ہے تو لا مکان و لا زمان ہے تو دور نہیں کہ ہم تمہیں قریب کر کے بلائیں میرے مولا تو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے ہمارے بلانے کی کمی ہے ہمارے مانگنے کی کمی ہے پر یہ ٹوٹے پھوٹے فقیر آئے تو تیرے ہی در پر ہیں یا اللہ تو بھی کہہ دے میں مان گیا ہوں یا اللہ سخی آدمی سخی بادشاہ میرے رب اس کے در پہ فقیر آ جائیں تو کہتا سب کی جھولی بھر دو اے بادشاہوں کے بادشاہ تیرے سامنے تو ایک آدمی ہاتھ اٹھائے تو تیرے نبی کا فرمان ہے تو کہتا ہے جب میرا بندہ میرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے خالی مڑتے ہوئے شرم آتی ہے دیکھو نا میرے اللہ سڑکوں پہ ہاتھ پھیلے ہوئے دھوپ میں ہاتھ پھیلے ہوئے ہزاروں تیرے بندے تیرے آگے فریاد کر رہے ہیں میرے آقا اب تو اپنا غصہ دور کر دینا اور ہم سے راضی ہو جانا یا اللہ ہم نے تو آنکھ کھولی ہے تو ہر طرف اس امت کے دکھ کی داستانوں کو بکھرے ہوئے دیکھا ہے کانوں نے سننا شروع کیا ہے تو انہی کے نوحے سنتے سنتے سینے پھٹ گئے کلیجے جل گئے تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا جو ہمیں کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیتے ہیں تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا جو چند پیسوں کے لیے چند دن کے اقتدار کے لیے پوری قوم کے سودے کر دیتے ہیں اے کریم اللہ مہربانی کر دے کوئی ابو بکر جیسا ہمیں دے دے یا اللہ یا اللہ جس نے عمر کے بھی تھپڑ مار دیا تھا جس نے عمر کے سینے پہ بھی مکہ مار دیا تھا عمر میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی آئے یہ نہیں ہو سکتا اے میرے رب کوئی ابو بکر جیسا دے دے یا اللہ جو دین کے زندہ کرنے کو اور تیرے احکام کے زندہ کرنے کو اپنی زندگی کی معراج بنا لے کوئی عمر جیسا دے دے میرے مولا جو راتوں کو اٹھ کے روتا تھا کہ دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی آج تو تیرے محبوب کی امت کے بچے پیاسے مر رہے ہیں بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں کروڑوں بچے ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ ڈھونڈتے ہیں انہیں ایک قطرہ نہیں ملتا یا اللہ تیرا نبی تو نماز چھوٹی پڑھاتا تھا جب بچوں کا رونا سنتا تھا تو نماز چھوٹی کر دیتا تھا ماں بچے سنبھالے قارونوں نے اپنے گھر بھر لیے اپنے خزانے بھر لیے
تو تیرے حبیب کی امت کے کروڑوں انسانوں کے چولے بجھا دیے. اے کریم اللہ, اے مہربان اللہ, یا اللہ ہم تیرے در پر فریاد لے کر آئے ہیں. اے کریم اللہ, ہمارے انفرادی مسائل بھی بے شمار, ہمارے اجتماعی مسائل بھی بے شمار, ہمارے قومی ملکی مسائل بھی بے شمار, اور اندھوں کے حوالے سفینہ ہے, اور اندھوں کے حوالے گاڑی ہے, اور اندھے میر کاروان ہیں. اے محبوب اللہ, اے کریم اللہ, مہربانی فرما, کوئی عمر جیسے عطا فرما جو مظلوم کی فریاد پر ننگے پاؤں دوڑ کے باہر آتا تھا, ننگے سر بھاگتا ہوا آتا تھا, لبیک لبیک کی صدائیں لگاتا تھا. اے میرے رب, کوئی عثمان جیسا دے دے جو امت کو حیا سکھا دے. تیرے محبوب کی امت تو حیا کا سبق دینے آئی تھی, اسی کی بیٹیوں نے کپڑے اتار دیے, اسٹیج پہ ننگی ہو گئی. نچانے والے بھی مسلمان ہیں, دیکھنے والے بھی مسلمان ہیں, ناچنے والیاں بھی مسلمان ہیں, گھر گھر میں گھنگرو کی چھنکار ہے. اے کریم اللہ, عثمان جیسا دے دے جو سب کو حیا کی چادر پہنا دے. کبھی یہ تو سمت کی راتوں کو دیکھ کر فرشتے روتے تھے, ان کے سجدوں کا تڑپنا, ان کی بچیوں کا حیا, ان کے نوجوانوں کی غیرت کو دیکھ کر فرشتے حیران ہوتے تھے. آج شیطان حیران ہوتا ہے, یہ کیسے بے حیاؤں کا ٹولہ ہے, یہ کیسے بے حیاؤں کا قافلہ ہے. جب ساری رات ننگ دڑنگ شراب کی تو نے شراب روکی, اس امت نے شراب کے اڈے چلا دیے, تو نے سود سے روکا, اس امت نے بینک کھڑے کر دیے, تو نے جوئے سے روکا, اس امت نے اڈے چلا دیے, تو نے قتل و غارت سے روکا, یہ موبائل چھینتے ہوئے قتل کر کے چلے جاتے ہیں, تو نے حرام مال سے روکا, نے چوری ڈاکے پیشے بنا لیے, تو نے محبتوں کا سبق دیا, ہماری مسجدیں نفرتوں کی جگہ بن گئی, ممبر نفرت پھیلانے لگ گئے. اے میرے رب, اے میرے آقا, بڑی دیر ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو آ جا میرے رب, بڑی دیر ہو گئی, اس امت کے سفینے کو مجدھار سے نکال لے میرے مولا. کسی بوڑھی ماں کا آنسو قبول فرما, کسی بوڑھے باپ کی فریاد قبول فرما, کسی نوجوان کی پاک جوانی کہ یا اللہ سجدوں کو قبول فرما, کسی نیکوکار کے راتوں کے تڑپنے کو قبول فرما, اور امت کو دکھ دردوں سے نکال. اندھیری رات کے ہم مسافر ہیں, بھٹکے ہوئے راہی کی طرح, بچھڑے ہوئے قافلے کی طرح, اس چھوٹے بچے کی طرح جس کے ماں باپ اس سے گم ہو جائیں تو اس کا رونا دیکھا نہیں جاتا, ہم بھی آج گم ہوئے ہوئے بچے کی طرح ہیں. اے میرے رب, تیری رحمتیں ہم سے روٹھ گئیں, اے کریم مولا تو بھی راضی ہو اور رحمتوں کے در بھی کھول. جن گناہوں کی وجہ سے ہمارا نصیب ڈوب گیا ہے وہ ہمارے گناہ معاف کر دے, ہمیں امت بنا دے. یہ آپس میں فرقے بن گئے, ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے بن گئے, ایک دوسرے سے نفرتوں کی آگ میں ایک دوسرے کو گرانے جلانے والے بن گئے, ہمارے بازار خیانت اور دھوکے کے اڈے بن گئے, ہماری عدالتیں ظلم و ستم کہ یا اللہ اڈے بن گئے. اے میرے رب, ہمارا دیہاتی بھی ظالم, ہمارا ریڑی والا بھی ظالم, اور ہمارے بادشاہ بھی ظالم, ہماری عورتیں بھی ظالم, ہمارے مرد بھی ظالم. تو توبہ کا در کھول, تو ہدایت کی ہوا چلا. عمر تو تیرے نبی کو قتل کرنے جا رہا تھا اور تو نے فاروق بنا دیا, آزر کے بیٹے کو تو نے خلیل بنا دیا, ولید کے بیٹے کو تو نے سیف اللہ بنا دیا. اے وہ ذات جو پتھروں کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنانے کی طاقت رکھے, اے وہ ذات جو ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنانے کی قدرت رکھے, اے وہ ذات جو خطاب کے بیٹے کو فاروق بنانے کی طاقت رکھے,
تو اپنی اس ہدایت کی طاقت کو رحمت کو صفت کو انسانیت کے طرف متوجہ فرما اور پوری امت پر رحم فرما خاص طور پر ہمارے ملک پر رحم فرما قومی جھگڑے صوبائی جھگڑے مذہب کے جھگڑے مال کے جھگڑے یا اللہ اے میرے رب یا اللہ تو مان جا ایویں ہی مان جا یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں تجھے کیا پیش کریں کوئی عمل ہوتا تو پیش کرتے ہم تجھے تیرے نبی کے آنسو پیش کرتے ہیں جس کو پوچھنے جبریل آتا تھا وہ طائف کا خون پیش کرتے ہیں جس کو دیکھ کر فرشتے بھی روئے تھے وہ احد کے ٹوٹے دانت پیش کرتے ہیں جس دیکھ کر احد پہاڑ رویا تھا اس کا راتوں کا تڑپنا تیرے سامنے پیش کرتے ہیں تو ہم سے راضی ہو جانا ہو جانا یا اللہ اب کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں عثمانیہ مسجد کے فرشتوں آج ہمارے ساتھ مل کے آنسو بہاؤ ہمیں ہمارا روٹھا رب بنا دو آج تم بھی آمین کہہ دو آج تم بھی آمین کہہ دو آج ہمارا رب راضی ہو جائے مان جائے یہ آنے والا رمضان بدر والا رمضان بنا دے یہ آنے والا رمضان فتح مکہ والا رمضان بنا دے اس رمضان کو امت کی ہدایت کا مہینہ بنا دے باطل کے ٹوٹ جانے کا مہینہ بنا دے بلکہ پوری دنیا کے عیسائی اور یہودی اور نصرانی اور دہریے اور ہندو اور سکھ